See the money won't stay for your meal. Give you another piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. हमारा आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रायल ऑफ सिविल केसेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रायल ऑफ सिविल केसेस जो है ये याद रखें कि असल चीज जो वकालत में है, जो वकालत की मिथ है वो ट्रायल है, वो एविडेंस है। आप उस एविडेंस से केस बनता भी है और बिगड़ता भी है। और ये याद रखें कि सबसे आसान वकालत जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की है, सबसे आसान वकालत, और सबसे मुश्किल वकालत जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रायल इनिशियल स्टेज पे, जो आपके बेसिक जो अदालत हैं, सबसे निचली लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट है, यहां से केस बनता है। ऊपर तो बनी बनाई फाइल मिलती है, वहां लाखों रुपए फीस लेते हैं, पेपर बुक जो है ना वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बना के देते हैं, वो बनी हुई पेपर बुक हमें मिल जाती है। अब सुबह मेरा केस लगा हुआ, मैंने अभी नहीं पढ़ा और मुझे फिक्र भी कोई नहीं, कोई टेंशन भी नहीं है, इसलिए कि पेपर बुक मैंने शाम को ऑफिस जाना है, पेपर बुक पड़ी होगी उसे पढ़ने हैं, उसमें लीगल पॉइंट ही देखना है और सुबह आर्गूमेंट करना है, केस मेरे हक में हुआ या खारिज हुआ, खत्म हुआ मेरे खिलाफ हुआ, फीस आजम केस खत्म। लेकिन ट्रायल असल चीज जो है वो केस बनना और बिगड़ना, ये ट्रायल कोर्ट जहां आपकी प्लीडिंग होती है, जहां पर दावा करते हैं, जवाब दावा देते हैं, इसी तरीके उस पर एविडेंस आती है और उस एविडेंस पे ही आगे आर्गुमेंट्स होते हैं। जब आप ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहां तो सिर्फ आर्गुमेंट्स होते हैं, जो आपकी फाइल बनी होती है उसी फाइल के मुताबिक ही आपने चलना होता है, आप उसमें ना कोई ऐड कर सकते हैं ना कोई डिलीट कर सकते हैं, जो फाइल के अंदर लिखा हुआ है आपने उसी के अंदर रहना है। और फिर ऊपर जो है वो शॉर्ट सी बहस होती है और वो आपको सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं कि पेज नंबर फलां, पैरा नंबर फलां पढ़ें, आप अपनी प्लेंट पढ़ें, आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ें, आप अपने PW1 की स्टेटमेंट पढ़ें, आप DW2 की स्टेटमेंट पढ़ें, ये क्रॉस एग्जामिनेशन पेज फलां पे ये पढ़े जरा क्या कहते हैं, अब बताएं आप क्या कहते हैं, तो वहां आप लाजवाब हो जाते हैं, इसलिए आप उससे बाहर नहीं जा सकते। हमारे मुल्क के बड़े रिनाउंड एडवोकेट थे AK ब्रोई साहब, बड़ा नाम आपने सुना होगा, आज जो इस प्रोफेशन के अंदर टॉप पे जो वकील बैठे हुए हैं या जजेस हैं, सीनियर जजेस, वो उनके शागिर्द हैं और उनसे, वो इंटरनेशनल फेम के वकील थे, तो उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि ब्रोई साहब आपके केसेस की कामयाबी की शरह क्या है, उन्होंने कहा 20-30%। उस शख्स इतना हैरान हुआ कि इस मुल्क का टॉप का वकील और इतनी थोड़ी रेशियो उसकी कामयाबी की, उससे पूछा ये क्या वजह है, आपका तो बहुत बड़ा नाम है। वो कहते हैं कि देखे मैं ट्रायल कोर्ट में वकालत नहीं करता, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं जाता, मैं वकालत करता हूं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो नीचे दो या तीन अदालतों ने जो फैसले किए होते हैं, फर्से सुप्रीम कोर्ट में कोई एंगेज किया है, वो जो भी करता है सुप्रीम कोर्ट में, सिविल जज ने फैसला उसके खिलाफ किया, फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील की उसने खिलाफ की, हाई कोर्ट में गए सिविल रिवीजन किया वो, या सेकंड अपील फाइल की तो वो खारिज हो गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तीसरी अदालत है, आखिरी अदालत है, और अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो नीचे दो अदालतों के फैसले जो है वो होते हैं। तो कहते हैं अगर दो या तीन अदालतों के फैसले मेरे खिलाफ हो और फिर मैं अपनी स्किल से, अपनी मेहनत से, उसमें से कुछ चीजें निकाल कर वो अपने हक में फैसला करा लूं, तो ये 20-30% ये कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब उसकी वजह क्या है कि सबसे पहले आपने देखना कि ये जो आप एविडेंस करवाते हैं ये आप फोकस करें कि आपने देखना है प्लीडिंग क्या है, प्लीडिंग से मुराद आपकी प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट होती है। आप फौजदारी साइड पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप बेल एप्लीकेशन लिखते हैं, बेल में आप सिंपल अगर एक ग्राउंड आप लिख देना कि ये मुल्ज़िम बेगुनाह है,
और ये बेल का एंटाइटल है, इसको बेल ग्रांट कर दी जाए, तो वो बेल एप्लीकेशन आपकी कोई नहीं पड़ेगा, वो कहेंगे आप बहस करें, आप आईआर पढ़ें, क्या ऑफेंस है, बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है, अट्रैक्ट करते हैं नहीं करते, तो आपने उस पर आर्गूमेंट्स करने होते हैं। वो ये नहीं पूछेंगे कि ये बात आपने जो आप आर्गू कर रहे हैं ये बेल पिटीशन में लिखी थी या नहीं लिखी थी। लेकिन जब ट्रायल होगा आगे और फिर मुल्जम जब फाइनली बहस होगी कि उसको कन्विक्ट करना है या एक्विट करना है, तो फिर एविडेंस देखी जाएगी कि इसके खिलाफ क्या एविडेंस रही है, तो फिर वो एविडेंस पड़ी जाएगी। इसी तरीके से सिविल में भी प्लीडिंग से बाहर आप नहीं जा सकते। जो चीज आपने प्लीडिंग के अंदर लिखी है दावा, अगर आप मुदई हैं तो आपने प्लेंट के अंदर लिखी है, अगर आप डिफेंडेंट हैं तो आपने रिटन स्टेटमेंट के अंदर लिखी है, आपने उसी पे फोकस करना है और उसी को सामने रखते हुए आपने ट्रायल करना है, आपने एविडेंस करवानी है। और दूसरी पार्टी के जब गवाह आए तो फिर उन पे आपने क्रॉस एग्जामिनेशन जो करना है वो आपने अपने मतलब की चीजें जो है वो निकलवानी है। और इसमें ये देखें कि इतना लॉ अब आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार इस पे जजमेंट है कि पार्टीज आर बाउंड बाय देयर प्लीडिंग्स, से बाहर नहीं जा सकते। अब मैं अक्सर ये कहता हूं, कई वो वकील जो है वो इस बात पे इंसिस्ट करते हैं कि एविडेंस मेरी मौजूदगी में होनी चाहिए, दूसरी पार्टी की एविडेंस है मेरी मौजूदगी में होनी चाहिए, मेरी एब्सेंस में एविडेंस ना रिकॉर्ड करें। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरी मौजूदगी में, मैं कहता हूं मेरी एब्सेंस में वकील साहब अपनी मर्जी से लिखवा दें जो लिखवाना है, मेरी एब्सेंस में करवा दें, जरा तो मैंने करनी है ना। अब जब वकील लिखवाएगा तो उसमें लीगल लैंग्वेज भी वो लिखेगा, उसने तो वकील ने तो अपने हिसाब से एविडेंस करवानी है ना, उसने ये नहीं देखना कि ये जो गवाह जो क्रॉस एग्जामिनेशन फेस कर रहा है ये अनपढ़ आदमी है, ये देहाती आदमी है, ये इस कानून को नहीं जानता जो मैं लिखवा रहा हूं। लेकिन बयान तो उसका हो रहा है ना, लिखवा ये रहा है। अब वो दो सफों की तीन सफों की उसने जनाब इन चीफ करा दे, एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया। अब एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया तो आपने वो पढ़ना है। अब वो एग्जामिनेशन इन चीफ आपने पढ़ा और जब आपने देखा कि इसमें ये प्लेंट क्या है, ये जो कुछ कहानी इसने लिखी है ये प्लेंट के अंदर भी लिखी थी या नहीं लिखी थी, तो आपने एक सवाल करना है कि भाई साहब बाबा जी आप ये बताएं कि ये जो आपने अपने बयान में ये चीजें लिखवाई हैं लाइन नंबर फलां से लेकर लाइन नंबर फलां तक, ये पूरा पेज जो लिखाया है ये दावे में भी लिखवाया था या जवाब दावे में लिखवाया था अगर डिफेंडेंट है तो? अच्छा वो चूंकि अगर अनपढ़ आदमी है तो पढ़ा लिखा है तो उसके सामने ये आपका दावा है या जवाब दावा है ये देख लें, इसके अंदर ये लिखा हुआ है ये जो आपने बयान दिया है या ये आपके वकील साहब है ये पढ़ के आपको बता देंगे कि ये लिखा हुआ है या नहीं, तो वो कहेंगे नहीं लिखा हुआ। तो फिर एक सवाल का जवाब यही आएगा, ये दुरुस्त है कि मैंने ये जो बयान दिया है लाइन नंबर फलां से लेकर फलां तक वो आधा पेज है या पूरा पेज है या डेढ़ पेज है, ये मैंने अपने दावा में नहीं लिखवाया था, ये जवाब दावा में नहीं लिखवाया था, खत्म। वो सारी की सारी शहादत उसकी उड़ गई, फारिग हो गई, वो कोई जज पढ़ भी नहीं सकता उसको क्योंकि आउट ऑफ प्लीडिंग है ये बयान, इसलिए इसको नहीं पढ़ा जाएगा। ये अक्सर लोग कहते हैं कि चले दावे में चीजें रह गई तो शहादत में हम कवर कर लेंगे, ये शहादत में जो है वो आप लकुना फिल नहीं कर सकते, जो आपने खामियां छोड़ी हैं प्लीडिंग में वो आप फिल नहीं कर सकते सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ राइटिंग ऑफ एविडेंस, ऐसी स्टेज पे नहीं आपको अलाउ किया जा सकता, ये लॉ है। अब ये इन चीजों को सामने रखते हुए फिर ये एक तो ये है कि ये ट्रायल के हवाले से एविडेंस के हवाले से जो लॉ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है उसमें एक तो है आपका एविडेंस एक्ट,
एक है आपका कानून शहादत आर्डर 1984 का और एक है आपकी सीपीसी। ये तीन मेन एक्ट है जिसके अंदर आप उसको सामने रखते हुए फिर आपने ये ट्रायल करना होता है। अब इस चीज को सामने रखते हुए आपने ट्रायल करना है और ये आगे मैं रेफर करूंगा ये वो सेक्शंस भी और ऑर्डर्स भी और रूल्स भी इसके अंदर से। अब उसको सामने रखते फिर आगे हम वो जब गो थ्रू करेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी। मैं यहां मैं एक जनरल सी बात बता दूं फिर जब उस पे आएंगे कंसर्न लॉ क्या है तो वो फिर आप जल्दी समझ आ जाएगी आपको। एक तो ये है कि बाज दफा इररेलेवेंट क्वेश्चन हम करते हैं, वो इररेलेवेंट क्वेश्चन आज तो उस केस के साथ डायरेक्टली वो रेलेवेंट नहीं होते, बाज दफा दूसरी तरफ से ऑब्जेक्शन आ जाता है कि ये इररेलेवेंट है, बाज दफा कोर्ट की तरफ से भी आ जाए कि इसका क्या तल्लुक है इस केस के साथ। अब ये याद रखें कि कोर्ट को नहीं पता होता क्योंकि केस आपका है और आपके जहन में होता है कि मैंने क्या क्वेश्चन करना है। और ये याद रखें कि ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ये डबल एज वेपन होता है, इसको डबल एज वेपन इसलिए कहते हैं दो धारी तलवार कि एक सवाल आप कर रहे हैं और वो जवाब आपके खिलाफ आपके मुंह पे आके पड़ता है, परेशान हो जाते हैं ये अपना सवाल जो आपके खिलाफ चला गया जवाब तो ये समझा जाएगा वो आपका मौकफ है, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में वो आपका मौकफ तस्वर किया जाएगा और वही पढ़ा जाएगा और उसी पे आपका सारा केस बेस करता है कि सारे का सारा दावा खारिज या दावा डिग्री जो है ना वो उस एक आपके क्वेश्चन से वो केस आपका फारिग हो जाएगा। तो ये अब वो इररेलेवेंट सवाल क्यों करते हैं कैसे हम करते हैं। एक तो ये है कि ये क्रॉस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो वकालत की मिथ है वो क्रॉस एग्जामिनेशन है। इन चीज तो कोई भी करवा सकता है, 6 महीने की ट्रेनिंग है आपके साथ एक अप्रेंटिसशिप कर रहा है लड़का दावा आप उदय है उसको कहें कि यार ये इनका बयान करा दे, वो जो दावे में लिखा हुआ है वही उसने बयान उसको बताना है कि यार ये आपका दावा है ये आपका मौका है ये आपने बयान करना है, वो जाकर उसने वो बयान करा देना सीधा सीधा जो आपका दावे में लिखा हुआ है। क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने अपने दिमाग से सोच के जवाब देना उस पर सवाल करना होता है मुखालिफ गवाह पे और अपने मतलब के जवाब जो है उसके मुंह से निकलवाने उसके मुंह से अपने मतलब का जवाब निकलवाना है। ये हिकमत है और ये असल वकालत की मिथ है कि आप केस को कैसे प्रूव करते हैं कि आपने अपने केस को सामने रखना है कि मैंने केस अपना कैसे प्रूव करना है और डिफेंड जो दूसरी पार्टी है उसको डिसऑन कैसे करना है उसको रिबट कैसे करना है। अब कई दफा कोर्ट ये कहते हैं कि ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, अब वो हमारे जहन में होता है कि हम कुछ 2-3-4 क्वेश्चन इस किस्म के इररेलेवेंट करते हैं कि हमारे जहन में वो पांचवा जो सवाल है जो जहन में है वो कब करना है वो अगर डायरेक्ट करें तो वो जवाब जो है वो मेरे खिलाफ आएगा। अब मुझे पता है कि मैंने इसको पटड़ी पे चढ़ाना है और वहां बंद गली में लेकर जाना है और जब ये जहां पहुंचेगा तो ये सवाल जो मैं जो मेरे जहन में है ये मैं करूंगा तो बिल्कुल मेरे मतलब का जवाब आएगा। अब इसकी क्योंकि वो जब हम आगे आएंगे रेलेवेंट और इररेलेवेंट कानूनी शहादत आर्डर में जब वो मैं रेफर करूंगा कंसर्न लॉ तो उसको सामने रखते हुए अब मैं एक मिसाल आपको देता हूं। मैं अब अपने केसेस के हवाले से अब मैंने एक केस किया ये आप याद रखें कि 1948 से पहले ये इनहेरिटेंस के हवाले से मैं बात कर रहा हूं बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता था, कस्टमरी लॉ था 19 KPK में NWFP में उसे सबसे पहले शरीयत एप्लीकेशन एक्ट आया 1935 का, उसके बाद फिर बाद में 1937 का एक्ट आया, सब्सिक्वेंटली फिर शरीयत एप्लीकेशन एक्ट आया 1948, उसके बाद फिर वो 1962 का
वो बाद में जो लिमिटेड स्टेट के हवाले से टर्मिनेट हो गई और इस तरह, तो उसमें अब 48 से पहले अगर कोई शख्स फोत हो जाता था उसकी प्रॉपर्टी जो इनहेरिट की जाती थी वो बेटों, अगर वो नरीना औलाद है और बेटियां भी हैं और बेटे भी हैं तो बेटों को वो विरासत मिलती थी, बेटियों को महरूम कर दिया जाता था चूंकि कस्टमरी लॉ, बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता था। और अगर बेटा नहीं है, नरीना औलाद कोई नहीं है या औलाद उसकी नहीं है, सिर्फ एक विडो है, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस म्यूटेशन के जरिए उस विडो के नाम पर ट्रांसफर हो जाती थी, सारी जायदाद के मालिक एक बेवा। अब वो विडो को जो ट्रांसफर की, हालांकि शरीयत की रूह से तो वो बेवा जो है वो अकेली एक्सक्लूसिव ओनर नहीं हो सकती, सारी की सारी जायदाद अपने खामन की इनहेरिट नहीं कर सकती। अब उसमें क्या था कि वो उसको कहते थे लिमिटेड ओनर, वो कस्टमरी लॉ के हवाले से थी, लिमिटेड ओनर यानी मशरूत मालका, उर्दू में कहते मशरूत मालका, कि उसमें कुछ शर्तें थी। वो क्या वो मशरूत मालका क्यों होती थी कि उसमें वो अपने खामन की जायदाद में जब तक वो जिंदा है वो खा भी सकती है, वो गुजर बसर कर सकती है, लेकिन उसको बेच नहीं सकती, ट्रांसफर नहीं कर सकती क्योंकि वो लिमिटेड ओनर है। और अगर ट्रांसफर कर दी थी तो वो इजाजत लेकर अपने ऑफिसर के पास वो एप्लीकेशन देती थी कि ये मेरे अखराजात हैं, ये इतना मैंने सौदा लिया है दुकानदार से, उसका कर्जा देना है, फलाम ये काम करना है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, इतनी मेरी रिक्वायरमेंट है, और इतनी जमीन अगर बेच दी जाए जिसकी इतनी कीमत बनती है तो वो मेरी जरूरत पूरी हो सकती है। तो वो फिर कमीशन अपॉइंट करते थे और वो देखते थे वो इसकी इसमें एप्लीकेशन में लिखा हुआ है दुरुस्त है या नहीं, पर वो इस तरीके से वो खा भी सकती। अगर वो दूसरी शादी भी कर लेती थी फिर भी महरूम हो जाती थी। और फिर म्यूटेशन अक्सर हमारे पास जो हम डॉक्यूमेंट चैलेंज करते हैं और वो केसेस करते हैं कि ये विरासत जो है वो उधर चली गई है, तो म्यूटेशन होता था कि मसमात फलाम बावक करदावरी मालूम हुआ, पटवारी वो लिखता था, या वो लिखता बावक तैयारी जो बंदी ये मालूम हुआ है कि मसमात फलां हमरा फलां निकासानी कर गई है, लिहाजा विरासत अदा फलां जो है फलां फलां जो उसके खामन के जद्दी वारिस होते थे उनके नाम पर ट्रांसफर हो जाते। 15 मार्च 1948 को शरीयत एप्लीकेशन एक्ट आ गया, उन्होंने कहा जी कि ये इससे पहले जो भी है लेकिन आज इसके बाद जो है ना वो शरीयत के मुताबिक जो इंटाइटल हैं वो उनको हिस्सा मिलेगा, अब बेटियां भी हकदार हो गई। अब 1933 का एक, अब इसमें बहुत सी जजमेंट्स आई हैं जो उसकी बेसिस पे मैंने बड़े केसेस किए, वो कैसे डिग्री भी हुए हैं, वो डिग्रियां बरकरार रही हैं हाईकोर्ट तक, तो वो लोगों को मिली हैं जायदादें। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच बना दिया कि इसमें फॉर एंड अगेंस्ट लॉ है, तो एक लार्जर बेंच बना दिया कि इस पॉइंट को थ्रेश आउट करेंगे, ये 48 से पहले वाले वो इंटाइटल हैं बेटियां या नहीं है। अब उसमें लार्जर बेंच ने डिसाइड किया जो पीएनडी 2012 सुप्रीम कोर्ट पे 501 पे जजमेंट आई, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं वो पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है, उससे पहले वाले चैलेंज नहीं कर सकते, बाद वाले जो है ना वो कर सकते हैं। 15 मार्च 1948 के बाद जो शख्स फोत हुआ उसकी बेटियां या जो भी औलाद है वो सारे इंटाइटल हैं अकॉर्डिंग टू शरिया, लेकिन उससे पहले वाले वो महरूम ही रहेंगे, वो नहीं क्लेम कर सकते। अब मेरा सूट चल रहा था 1933 का, मैंने म्यूटेशन चैलेंज किया हुआ था क्योंकि उससे पहले डिग्री होते थे। अब मैं 1933 के इंतकाल को चैलेंज कर रहा हूं बेटियों की तरफ से, एक बेटी की तरफ से, अब बेटी तो मर गई थी उसके आगे जो औलाद थी उनकी तरफ से उनको प्लेंटिव बनाया और दूसरे के औलाद को डिपेंडेंट बनाया। अब ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ आ गई, 48 से पहले वाले तो महरूम ही रहेंगे भाई, वो तो नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है तो ये खिलाफ है ना, मेरे खिलाफ आ गया मेरा दावा तो फिर फारिग है। अब एविडेंस की ट्रायल में आ जाए, मैं यार ये दावा तो खारिज हो जाएगा, लॉ जो आ गया है लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है कि वो नहीं, मैं 33 का क्लेम कर रहा हूं जबकि 48 से पहले जो मर गए वो क्लेम कर ही नहीं सकते। अब मैं क्रॉस एग्जामिनेशन की आपको बात करता हूं कि कैसे आपने क्रॉस एग्जामिनेशन, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछना, ठीक है,
अब आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मैं तरीका बताता हूं कैसे। एक तो यह है कि वकील बड़ा माहिर नफ्सियात होता है, जब हम देखते हैं ना कि गवाह कौन है तो एक दफा उस पर जब निगाह डालते हैं सर से पांव तक पता चल जाता है ये कैसा शख्स है। अल्लाह ताला ने हर इंसान का चेहरा मोरा ऐसा बनाया है कि उसके अंदर के इंसान का पता चल जाता है ये शरीफ आदमी है, ये बदमाश है, ये हैबिचुअल लिटिगेंट है, ये प्रोफेशनल आदमी है। या आप दो तीन क्वेश्चन करते हैं तो उसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि ये गवाह कैसा है, ये चलाक है, ये सीधा है। ये तो आपने उस गवाह को भी सामने रखना है, गवाह कौन है और कैसे इसको लेकर आगे चलना है। अब मैंने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी है, माशाल्लाह सफेद दाढ़ी रखी है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा बुजुर्गो आप बताएं आप माशाल्लाह भर, पहले तो वो मैंने शेजरा को रिश्ते जो एडमिट करवाए गए वो फलाम फोत हो गया था, उसके ये बेटे थे आपके वालद साहब और फिर एक बेटी भी थी ये इनकी वालदा मुदईन की, हाँ जी वो पहले एडमिट करवा के ना कि वाकई बेटी है। ये रिश्ते एडमिट करवाने के बाद फिर हमने माशाल्लाह आपने दाढ़ी भी रखी हुई है, बारिश आदमी है, उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए, आगे जाना है अल्लाह ताला को हिसाब देना है, ये जमीनी जमीने इधर ही रह जाएंगी। नमाज वमाज तो आप पढ़ते होंगे? जी जी बिल्कुल पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, अब इसका क्या ताल्लुक है मेरी प्लीडिंग के साथ? ये मैं आपको बता रहा हूं गुर क्रॉस एग्जामिनेशन के, ये कोई लिखा हुआ तो नहीं है ना, कि दावा तो मेरा ये नहीं है लेकिन कानून मेरे खिलाफ है। अच्छा फिर आप, अच्छा कुरान पाक ये आपने पढ़ा होगा? जी जी बिल्कुल पढ़ा है, कुरान पाक की तलावत भी करते हैं जी, कुरान पाक का तर्जमा भी पढ़ा होगा? जी जी बिल्कुल पढ़ा है जी। आपने सूरह बकरा भी पढ़ी होगी, सूरह निसा भी पढ़ी होगी? जी जी बिल्कुल पढ़ी है जी। तो मैंने कहा ये जो कुरान पाक है ये अल्लाह का कानून है ना? जी जी बिल्कुल अल्लाह का कानून है जी। मैंने कहा इससे कोई इसके ये जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है तो ये अल्लाह का हुक्म है ना? जी जी बिल्कुल अल्लाह का हुक्म है जी बिल्कुल। अच्छा मैं लिखवा रहा हूं दुरुस्त है, ये दुरुस्त है, हर मेरे सवाल का जवाब दुरुस्त है दुरुस्त है दुरुस्त है आ रहा है ना? इनकार कैसे कर सकता है? मुझे पता है ना कि इनकार कर नहीं सकता जो सवाल मैं कर रहा हूं। अच्छा ये जो अल्लाह का हुक्म है तो इसको कोई कंट्राडिक्ट तो नहीं कर सकता? हम सब मुसलमान है, बीइंग मुस्लिम, हम इनकार तो नहीं कर सकते ना अल्लाह के हुक्म थे, खिलाफवर्जी नहीं कर सकते? जी जी बिल्कुल जी। ये बाइंडिंग है ना हम सब पे? जी बिल्कुल बाइंडिंग है, दुरुस्त है। अच्छा फिर आप बताएं कि ये जो दुनियावी कानून है, ये जो अल्लाह का कानून है, ये दुनियावी कानून तमाम कवानीन पे हावी है ना? जी बिल्कुल है। तो मैंने कहा एक तरफ ये दुनियावी कानून है और एक तरफ अल्लाह का कानून है, तो कौन सा कानून प्रिवेल करेगा? जी अल्लाह का कानून है, ये दुरुस्त है, आ रहा है अफसाना दुरुस्त है दुरुस्त है दुरुस्त है। अमेरिका ये देखें, ये जो आपने बताया मैंने कुरान पाक भी पढ़ता हूं, मैंने सूरह बकरा भी पढ़ी है, मैंने सूरह निसा भी पढ़ी है, मैंने कहा ये उसमें अल्लाह ताला ने बताया ना कि ये तरका कैसे तकसीम होता है, बंदा जब फोत हो जाता है तो उसमें वो हिस्से भी दिए हुए ना कि बेवा का इतना हिस्सा, वालदेन का इतना हिस्सा, बेटे का इतना हिस्सा, बेटी का इतना। अब मैं सिर्फ बेटी पे नहीं बोल रहा, देखे बेटी को मैंने उसके साथ शामिल करना है, मैंने तो बेटी को लेकर आना है उसके साथ, ये नहीं है कि बेटियों का हिस्सा डायरेक्ट सवाल कर दे। उसने वालदेन का भी हिस्सा, बेटों का हिस्सा, बेटियों का हिस्सा, बेवा का हिस्सा दिया हुआ है? जी जी बिल्कुल दिया हुआ है, अल्लाह ने वहां ये हिस्से दे दिए। तो मैंने कहा ये अब मैं क्योंकि ये आखिर बंद गली में अब आ गया है, ये सारा कुछ मैंने उससे मनवा लिया है। मैंने कहा बाबा जी अब देखें आप उम्र किस स्टेज पे हैं, अब बताएं कि ये जो बेटी है आपके दादा या नाना की, तो ये फिर हकदार है ना अपने उस वालिद की जायदाद में? सोच में पड़ो तो क्या सोचते हैं ये, इसमें तो सोच रहे ना कि मैंने कहा लिखे ये दुरुस्त है कि ये उसमें हकदार है। तो अगला मेरा मैंने कहा आखिरी क्वेश्चन, मैंने कहा
आप तो झूठ भी नहीं बोलते, फिर अल्लाह का कानून भी है, ये कुरान पाक का फैसला है, अल्लाह का फैसला है। तो मैंने कहा अगर बेटी को हिस्सा दे दिया जाए तो आपको तो कोई एतराज नहीं हो सकता ना। बाबा जी हम वो परेशान हो गए कि अब ये क्या, ये तो सीधा सीधा सवाल है, दावा डिग्री या कार्य तो यही पे होना है ना इस एक सवाल पे। अब वो मेरा आखिरी सवाल है, वहां तक मैंने पहुंचा दिया है। तो मैंने कहा क्या सोचते हैं जी, ये दायरे आप तो इनकार कर नहीं सकते, ठीक है ये अल्लाह का कानून है। अच्छा वो उसने सारे ला दिए, मैंने कहा लिखें जी ये दुरुस्त है कि अगर इसको हिस्सा दे दिया जाए तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, इसके बाद मेरी कोई सजेशन भी नहीं है, कोई और सवाल भी नहीं है। मैं पागल हूं अगले और सवाल करके मैं पिछली जो जरा हुई है वो भी खराब कर दूं, हो सकता आगे वो मजीद कुछ और क्लियर कर दे तो यहां मैं क्यों ना स्टॉप कर दूं। ये अक्सर लोग जो ना लास्ट में एक सजेशन लिखाते हैं कि ये गलत है कि मैंने झूठी शहादत दी है। ये आप देखेंगे हर अदालत में आप पेश होते हैं, ये होता है ना, हर वकील ये लिखवाता है कि ये गलत है कि मैंने झूठी शहादत दी, यानी ये मैं कभी भी ये नहीं लिखवाता, इसलिए कि फिर ये आपकी तरफ से क्वेश्चन आ रहा है कि ये जितनी शहादत पीछे आपने दी है सारी झूठी है, तो जो आपने मनवाया है वो भी झूठ हो गया ना सारा, जो एडमिशन आई है वो भी झूठी है ना सारी। तो मैं पागल हूं कि मैं सारी शहादत को झूठा करार दे दूं। मैं कह दूं ये सच्चा गवाह है जो मेरे खिलाफ पेश हुआ है, इसने जो शहादत दी है सच्ची शहादत दी है, ये बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, ये बड़ा नेक आदमी है। अब एक तो यह ना उसको भी जबानी रिकॉर्ड पे नहीं लाते, लेकिन उसको जी बाबा बड़े सच्चे आदमी है, नेक आदमी है। एक तो ये है कि ये वकालत में भी ये होते हैं कि आपने ये अक्सर लोग दबाते हैं गवाह को, इतना दबाते हैं कि वो नफरत करता है उस वकील से। आपने अपना मतलब निकलवाना है, और आप ये याद रखें आप जब वकालत कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट को भी मुतमइन कर रहे होते हैं और उसको उसको इंप्रेस कर रहे होते हैं कि कल अगर उसका कोई केस आए तो वो आपके पास, वो किसी और वकील के पास ना जाए, यार मैंने आइंदा वकील करना है तो इसको करना है। अब क्यों उसके साथ बिगाड़ते हैं, आपने अपना मतलब हल करना है। आप इस तरीके से क्वेश्चन करें कि आपका मतलब भी हल हो जाए और आपका काम भी बन जाए और वो भी खुश और आपसे मुतासिर भी हो। तो इस तरीके से ये वकालत याद रखें कि वकील जो है वो एट ए टाइम जब वो वकालत कर रहा था, चूंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है और एक तरफ वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर रहा होता है, एक तरफ जो पीछे खड़ा है उसका क्लाइंट जो उसने जिससे फीस ली है उसको मुतमइन कर रहा होता है, और दूसरी तरफ सलाम करता है अपने मुखालिफ वकील को और फिर अपने मुखालिफ क्लाइंट को वो इंप्रेस भी कर रहा होता है, वो चौमुखी जंग लड़ रहा होता है एट ए टाइम। ये है वकालत। अब आते हैं ट्रायल पे, कि ट्रायल कैसे है, प्लीडिंग आ गई, दावा जवाब दावा आ गया, इश्यूज फ्रेम हो गए। अब आपने इश्यूज को सामने रखना है। ये अक्सर लोग जो है ना वो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आउट ऑफ द प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज इश्यूज कौन से फ्रेम हुए हैं, मुझ पे ऑनस कौन सा है, ओपीपी कौन से इश्यूज हैं, ओपीडी कौन से इश्यूज हैं, ऑनस ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ और ऑनस ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट। अब जिसका ऑनस आप पे है वो आपने प्रूव करना है, तो आपके सामने एक तो यह है कि लॉ होना चाहिए और उस लॉ को सामने रखते हुए आपने प्लीडिंग प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट करनी है और उसको सामने रखते हुए इश्यूज फ्रेम करवाना है। अगर नहीं किया तो आप एडिशनल एविडेंस एडिशनल इश्यू फ्रेम करने की एप्लीकेशन देंगे ऑर्डर 14 रूल 5 के तहत, तो वो एडिशनल इश्यू फ्रेम कराएं कि ये प्लीडिंग के मुताबिक ये इश्यू फ्रेम नहीं किया गया, वो कोर्ट बाउंड है इश्यू फ्रेम करने के उस पर। अब उन इश्यूज को सामने रखते हो आपने एविडेंस करवानी है। अब एविडेंस जो करवानी है तो आपको बेसिक लॉ का पता होना चाहिए, मतलब आपका सूट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का,
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, तो पहले तो ये देखना है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिटेड है या डिनाइड है। अगर तो एडमिटेड है तो सिर्फ पैसों का मामला है, टाइम पे इसने पैसे नहीं दिए तो बयाना जब्त और सौदा कैंसिल, तो फिर आपने उसको सामने रखते हुए सिर्फ पैसों की याद तक और उस डेट तक फोकस करना है कि वो पैसे का अरेंजमेंट किया या नहीं किया। अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिनाइल है कि ये जाली डॉक्यूमेंट है, मैंने किया ही नहीं है, मैंने इसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई सौदा नहीं किया, कोई प्लॉट का प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी का मैंने सौदा किया नहीं है, ये जाली साइन है मेरे या जो भी है, फिर आपने उसकी एग्जीक्यूशन आपने साबित करनी है थ्रू एविडेंस। ओनस आप पे है और प्लेंटिव की स्टेटमेंट के साथ आपने कौन सी एविडेंस पेश करनी है। एक तो वो मार्जिनल विटनेसेस, वो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने आकर एविडेंस देनी है कि हां ये सौदा हमारे सामने हुआ था, ये साइन मेरे हैं बतौर गवाह के, ये मेरे सामने इन्होंने ये डील की थी और ये लेन देन किया था और ये तहरीर हुई थी और ये साइन मेरे एग्जिबिट P-1/1 है जो कि मैं तस्लीम करता हूं, एग्जिबिट भी करवाने हैं। अब एग्जिबिट कैसे करते हैं ये आगे मैं कानून बताता हूं आपको, ये जो हम एग्जिबिट P-1, P-2, D-1, D-2 ये किस कानून के तहत करवाते हैं ये आगे मैं आपको उसकी तरफ भी आता हूं, एक पहले जनरल सा खुलासा बता के और उसके बाद ये मार्जिनल विटनेसेस। अगर विटनेसेस नहीं पेश किए या एक पेश किया एक नहीं पेश किया, याद रखें कि ऊपर बड़ा आसान केस होता है, जब आप ऊपर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाएं तो वो कोई लंबी चौड़े वो क्वेश्चन नहीं करते, दो सवाल पूछेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिटेड है या डिनाइल है, जी डिनाइल है, मार्जिनल विटनेसेस पेश किए या नहीं किए, ये एक पेश किया है, आपने फलां जजमेंट पढ़ी है सॉरी डिसमिस्ड, ये है आपकी पूरी बस केस खत्म, दो मिनट रोस्टरूम पे आप खड़े होंगे, क्योंकि लीगल क्वेश्चन पूछा गया ना, ये रिक्वायरमेंट आर्टिकल 79 ऑफ कानून शहादत आर्डर की रिक्वायरमेंट या आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत आर्डर की रिक्वायरमेंट फुलफिल की है या नहीं की है, नहीं की सॉरी प्रीएम्प्शन सूट है, शुभ्रे का दावा किया है, पोस्टमैन पेश किया या नहीं किया, नहीं किया, पीएटी 2007 सुप्रीम कोर्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी, सॉरी डिसमिस, ये है टोटल बहस वहां सुप्रीम कोर्ट में। एग्रीमेंट टू सेल है, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, रिमेनिंग सेल कंसिडरेशन डिपॉजिट करवाई है या नहीं करवाई, नहीं करवाई, सॉरी डिसमिस। तो ये सारी चीजें कहां, फिर फाइल तो नीचे बनती है ना ट्रायल में, यहां आपको फिर लॉ का पता होगा ना। अच्छा एक गिफ्ट है, अक्सर ये आते हैं आपके पास केसेस, बहुत ज्यादा केसेस आते हैं कि ये वालिद ने अपनी जिंदगी में बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, हिबा कर दी बेटी को महरूम करने के लिए, अक्सर बेटियों को महरूम करने के लिए किया जाता है ना ये हिबा गिफ्ट। तो ये अब आपके जहन में है कि ये मैंने गिफ्ट को चैलेंज किया है, मैंने हिब्बे को चैलेंज किया है, तो हिब्बा चैलेंज करने के प्लीडिंग के अंदर वो चीजें लिखनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि देर आर थ्री एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर ए वैलिड गिफ्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लॉ एंड अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नंबर वन डिक्लेरेशन बाय द डोनर, नंबर टू एक्सेप्टेंस बाय द डोनी एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली, एंड नंबर थ्री फिजिकल डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अब आपने इस पे फोकस करना है, आगे तक देखना है, एविडेंस करवानी है, अपनी एविडेंस भी और क्रॉस एग्जामिनेशन भी जब करने हैं तो इस तीन इंग्रेडिएंट को सामने रखते हुए करनी है। आपके सामने केस आता है बेनामी ट्रांजैक्शन का, बेनामी क्या होती है, ये अक्सर ये केसेस आते हैं आपको पता होना चाहिए, ये बेनामी ये होती है कि एक शख्स जिसने प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम पे अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर करवाई है। अब ये देखिए, मैं आज वकील हूं, मैं मेरी एक मेरे एक सोर्स ऑफ कंसिडरेशन है, मेरा एक अच्छी खासा सोर्स ऑफ इनकम है,
मैं एक घर लेकर घर खरीदता हूं और मैं अपने बेटे के नाम पे करवा दूं जो स्टूडेंट है, उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो फीसें उसकी मैं देता हूं, उसको जेब खर्च मैं देता हूं, वो डिपेंडेंट है, लेकिन मैं कहता हूं मेरा बेटा है तो वो मैं उसके नाम पे अपना मकान वो घर लेता हूं और मैं उसके नाम पे करवा देता हूं या मैं वाइफ के नाम पे करवा देता हूं, कल वाइफ को डिवोर्स हो जाती है, अब मैं उसके नाम पे जिस जो भी है बेटा है बेटी है वाइफ है भाई है, मैं बैरूने मुल्क होता हूं भाई के नाम पे पैसे भेजता हूं, भाई जो जायदाद है अपने नाम पे करवा रहा है, मैं वापस आता हूं तो फारिग हूं। तो ये इस किस्म के केसेस जो है ना वो अक्सर आपको मिलेंगे, आपके पास लोग आएंगे, तो आपको कानून सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये मैंने कैसे चैलेंज करना है उस कानून को सामने रखते हुए। तो अब आपने कैसे चैलेंज करना है, वो इंग्रेडिएंट जो सामने के बेनामी के इंग्रेडिएंट या मतलब फोर इंग्रेडिएंट से सोर्स ऑफ कंसंट्रेशन किसका था, फिजिकल पोजेशन किसका है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसके पास है और मोटिव क्या था, क्यों उसके नाम पे करवाई थी। अब ये चार इंग्रेडिएंट अगर आप साबित कर देते हैं दावा आपका डिग्री और उसके नाम से प्रॉपर्टी आपके नाम पे वापस आ जाएगी, अगर आप ये साबित नहीं कर सकते दावा आपका खारिज। तो इसलिए ये याद रखें कि जो भी आपके सामने जब फर्स्ट टाइम क्लाइंट आता है और आपको डॉक्यूमेंट्स देता है और अपनी कहानी सुनाता है तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये क्या चीज किस बेस को मैंने चैलेंज किया है, तो इस पर लॉ क्या है, उस लॉ को सामने रखते हुए फिर आपने आगे उसी के प्लीडिंग भी ड्राफ्ट करनी है और उसके मुताबिक एविडेंस भी करानी है और क्रॉस एग्जामिनेशन भी आपने करने। और अगर इस चीज को सामने रखते हुए आप करें तो मैं नहीं समझता, मैं आपको गारंटी देता हूं 80% में मिनिमम जो 80% आपकी कामयाबी होगी, 70-80% ये मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन आप क्लाइंट आया सिर्फ फीस लेने के लिए, पैसे ले लिए और ढीला डाला जो भी है दावा तैयार किया, या वो ये अक्सर टाइजेस्ट को दे देते हैं ये कंप्यूटर वाले जो बिचारी में बैठे हुए हैं, यार ये डॉक्यूमेंट ये देख लो यार ये इसकी तरफ से करना है इसके खिलाफ करना है ये कुछ दावा बना दो, वो अक्सर जो वो टाइपिस्ट जो बनाते हैं ना दावा वो सैंपल निकाल के वो बनाते हैं तो अल्टी वो फिर दावा खारिज ही होना है, चूंकि आपको तो पता ही नहीं है, आपने खुद तो ड्राफ्टिंग की नहीं है, आपने तो वो लॉ को सामने रख, आप अगर खुद ड्राफ्टिंग करते तो लॉ को सामने रखते हुए करते, उसी के मुताबिक कल आपने एविडेंस भी करवानी है। अब आपने रूटीन में एक शहादत करवा दी और उसके बाद दूसरी तरफ से जब गवाह आए तो आपने रूटीन में जरा कर दी ये आपका रिश्तेदार है, आप इस रिश्तेदारी की वजह से इसके हक में शहादत दे रहे हैं, आज ये आपको साथ लेकर आया है, इसी ने आपको बताया है कि ये शहादत देनी है, ये क्या सवाल है भाई, आप केस अपना देखें क्या है, रिश्तेदार है तो इसे क्या इल्जाम खारिज हो जाएगा, ये अगर वो मैं साथ लेकर आया अपनी गाड़ी में मुझे तो इसके क्या दावा खारिज हो जाएगा। आपने अपने केस सब्जेक्ट मैटर को सामने रखें कि सबका सब्जेक्ट मैटर क्या है और लॉ क्या है, कल आपने ये समझे कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने ही आर्गू करना है केस, तो वे कैसे करेंगे वहां, कल सुप्रीम कोर्ट में अगर मैं खड़ा हूंगा तो कैसे मैं आर्गू करूंगा। ये याद रखेंगे इस जब आपकी बेस ठीक होगी बुनियाद आपकी मजबूत होगी वो इमारत फिर खड़ी रहेगी, उसको कोई नहीं गिरा सकता। अब इस पे रेलेवेंट लॉ की तरफ मैं आता हूं क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा इतना बड़ा है कि ये कवर नहीं हो सकता एक शॉर्ट टाइम में। एक क्वेश्चन है जी जी सर, हमने जो सजेशन की बात की जी जी सर, जो हम सजेशन देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया लॉ में क्या है और बेसिकली एक तो ये है कि आपने जो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ है उसको रिबट करना है एक एक क्वेश्चन को जो कुछ उसने कहा है। ये याद रखें कि उसने एक बात की और आपने उस पर क्वेश्चन नहीं किया या इवन सजेशन भी नहीं दी तो ये समझा जाएगा कि दैट पोर्शन इस पर इतनी जजमेंट है। अब उसकी वर्डिंग ये आएगा पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट विच रिमेन्स अनचैलेंज्ड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन deemed to be proved,
ये है वर्डिंग उसकी जजमेंट्स की जो सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट पे डिलीवर की है जो आपका क्वेश्चन है कि अगर वो आप समझे कि आपके खिलाफ ही है जवाब उसने आपके खिलाफ ही देना है लेकिन कम अज कम सजेशन तो दे दें। अगर आपने सजेशन भी नहीं दी तो इसका मतलब है कि आपने उसको कबूल कर लिया है आपने उसको तस्लीम कर लिया है जो उसका वो मौकफ आया वो एक लाइन जो आई है आपने उसको तस्लीम कर लिया है तो वो प्रूव हो जाएगा उसकी रिबटल की फिर जरूरत नहीं है। इसलिए आपने शेक करना है एक एक चीज को देखकर कि जो मेरे खिलाफ जो एविडेंस आई है आपको पता है कि ये 100% ये जवाब मेरे खिलाफ आएगा लेकिन आपने कम अज कम सजेशन तो देनी है ना कि ये आप गलत कह रहे हैं ये ऐसे नहीं है ऐसे है ठीक है। तो ये सजेशन की यानी अगर आपने सजेशन भी नहीं दी तो फिर तो वो डीम टू बी प्रूव्ड या डीम टू बी एडमिटेड। अब इसमें चंद शॉर्ट चीजें मैं उस हवाले से पहले आते हैं हम कानूनी शहादत आर्डर की उसका आर्टिकल 71 है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट ये आपकी प्राइमरी एविडेंस है। एक है आगे हम देखेंगे सेकेंडरी एविडेंस प्राइमरी एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस जो है वो डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में होती है और फिर ओरल एविडेंस जो आप गवाह पेश करते हैं जो विटनेसेस आप पेश कर रहे हैं पीडब्ल्यूज और डीडब्ल्यूज ओरल एविडेंस कोई भी हो वो डायरेक्ट होनी चाहिए जो कोर्ट में पेश होकर गवाह मुदई है या मुद्दाला है या गवाह है जो भी है वो कोर्ट में पेश होकर अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाता है। ये आपकी और यानी इस पे ये आर्टिकल है 71 कि वो डायरेक्ट होनी चाहिए और 73 है प्राइमरी एविडेंस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जिस डॉक्यूमेंट पे आप रिलाई करते हैं वो डॉक्यूमेंट आप एग्जिबिट करवाते हैं ये आपकी प्राइमरी एविडेंस है। उसके बाद आपके पास प्राइमरी एविडेंस नहीं है अब प्राइमरी एविडेंस मसलन एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो दूसरी पार्टी के पास है ठीक है होता है अक्सर मसलन एग्रीमेंट टू सेल है आपने कॉन्ट्रैक्ट किया आपके पास फोटो कॉपी है ओरिजिनल आपके पास नहीं है ओरिजिनल दूसरी पार्टी के पास है। अब फोटो कॉपी एग्जिबिट नहीं हो सकती अब वो ओरिजिनल ही एग्जिबिट हो सकती है। अब उसके लिए आप सेकेंडरी एविडेंस के लिए आप कोर्ट में जाएंगे और सेकेंडरी एविडेंस के कैसे एक तो ये अगर तो वो दूसरी पार्टी के पोजेशन में है तो फिर उसके लिए आप जो है वो उसको नोटिस करेंगे नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट ऑर्डर 11 रूल 16 सीपीसी का है नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और उस पे जब आप नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट देते हैं तो और दूसरी पार्टी ये कहती है कि ये गुम हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया जो भी है एक तो यह है कि आपने उसकी एग्जिस्टेंस साबित करनी है कि यह वजूद में आया था सब्सिक्वेंटली या आपके पास भी था सैलाब आया जाया हो गया सारे आपके सामान और भी जाया हो गया जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके जाया हो गए चोरी हो गए लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट जाया हो गया चोरी हो गया लॉस हो गया ओरिजिनल आपके पास यानी कोई रीजन है कि ओरिजिनल क्यों नहीं है आपके पास वो फोटोकॉपी है आपके पास तो वो फोटोकॉपी चूंकि एग्जिबिट नहीं हो सकी उस फोटोकॉपी को एग्जिबिट करवाना है उसके लिए फिर आप ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे और फिर कोर्ट जब ये अज्यूम करेगी कि हां ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है इस वक्त तो फिर आपको सेकेंडरी एविडेंस अलाउ करेगी
और वो जो फोटो कॉपी है फिर वो एग्जिबिट हो जाएगी। इस तरह ये सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन आर्टिकल इसका 74 है कानून शहादत आर्डर का, और 76 भी उसी के साथ है, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन। वो किस किस्म के केसेस होंगे जिसमें आप दे सकते हैं। 79 मैंने आपको बता दिया है, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिस तरह अगर आप मार्जिनल विटनेसेस पेश नहीं करते उनके जरिए आपने डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है। सेल डीड को आपने चैलेंज किया, उसके दो आशिके गवाह है। म्यूटेशन को आपने चैलेंज किया, उसके दो गवाह हैं। एग्रीमेंट को चैलेंज किया, एग्रीमेंट के जो दो गवाह, कोई भी डॉक्यूमेंट है दो गवाह तो उसके होते हैं ना, उन दो गवाहों को आपने पेश नहीं किया तो ये 79 जो कानून शहादत आर्डर का आर्टिकल है इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, लिहाजा आप फारिग हैं। उसके बाद 80 है, वेयर नो अटेस्टिंग विटनेसेस फाउंड। अब 79 के साथ इसको बोले, आप कहते हैं कि जनाब एक तो मौजूद है और एक मर गया है, ऐसे भी तो है ना, दो गवाह थे एक मर गया, अब एक है तो 79 तो ये कहती है कि दोनों मौजूद हों। लेकिन आगे भी देखें कि उसमें भी कंडीशन है, एक तो वो है उसी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर वो अलाइव हो एंड इफ दे आर अलाइव एंड कैपेबल फॉर गिविंग एविडेंस, ये वर्ड है उसके अंदर, वो दो गवाह इफ दे आर अलाइव, नंबर वन के जिंदा हो और कॉमा है आगे एंड गिव एंड कैपेबल फॉर गिविंग एविडेंस, वो कैपेबल भी हो। अब कैपेबल का एक आदमी फॉलेज ज्यादा है, वो घर में लेटा हुआ हॉस्पिटलाइज्ड है, वो बोल ही नहीं सकता, वो चल फिर ही नहीं सकता, उसकी ये कंडीशन है या उसका हादसा ही खत्म हो गया है, वो इस इतनी उम्र में पहुंच चुका है कि उसका वो हफ्जा जो है वो खत्म हो गया है, वो जवाब वो बयान ही नहीं दे सकता, वो एविडेंस दे नहीं सकता। अब ऐसी सिचुएशन पहले तो ये प्रूव करेंगे कि वो जिंदा है या मर गया है, वो कैपेबल है या नहीं है, या वो अमेरिका में चला गया और वहीं पे सेटल हो गया, वहीं की उसने सिटीजनशिप ले ली है और वो पाकिस्तान आता ही नहीं है और आइंदा भी उसके कोई चांस नहीं है आने के, अब वो कैपेबल नहीं है ना, वो तो सेटल हो गया, वो नहीं आएगा, अब क्या करेंगे, यानी वो लग या मर गया जो भी है, उसका कोई अजीज जो उसके साइन शिनाख्त कर सकता हो। एक आदमी मर गया तो उसका बेटा, अब लिस्ट ऑफ विटनेसेस उसका नाम देंगे कि वो उसको तलब करवाएंगे कि वो अपने अब्बा जी के साइन शिनाख्त करे, वो कहेगा कि हां ये मेरे वालिद साहब थे और ये साइन उन्हीं के ही है, तो उसने सिर्फ साइन शिनाख्त करने। तो ये यानी 79 को भी सामने रखते हुए इस तरीके से आपने ये प्रूव करना है। 81 में एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, अब एग्जिबिट उसकी एडमिशन आ जाए एग्जीक्यूशन की, अगर वो उससे पहले डिनाइल है प्लीडिंग्स में, तो अगर वो एडमिशन आ गई है तो उसके बाद उसमें और अगर कोई ऐसी चीज नहीं रहती हुई एविडेंस जहां रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर ऑर्डर 12 रूल 6 के तहत ये दावा देन एंड देयर डिग्री होगा, कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है। तलब किया, उसने एडमिट कर लिया, कोर्ट बाउंड है डिग्री करने की, किसी शहादत की जरूरत नहीं है, पीडब्ल्यूज पेश करें, डीडब्ल्यूज पेश करें, दूसरी पेशी पे दावा डिग्री, ऑर्डर 12 रूल 6 सीपीसी का। अब सेक्शन 84 है इसी के, कंपैरिजन ऑफ साइन राइटिंग आर सील विद अदर एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स। अब साइन से कोई डिनाइल करता है, ये मेरे साइन ही नहीं, जली ये मेरा अंगूठा ही नहीं है, ये जली अंगूठा है, किसी और ने लगाया, मैंने लगाया ही नहीं, ये थंब इंप्रेशन मेरा नहीं है, डिनाइल। अब 84 ये कहता है कि इसका कंपैरिजन करेंगे, अब कंपैरिजन का क्या तरीका है, एक तो यह फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजेंगे और जो एडमिटेड डॉक्यूमेंट हैं, तो उसका शनाख्ती कार्ड है या कोई पासपोर्ट है या ऐसी कोई डॉक्यूमेंट
कोई रजिस्ट्री उसने कराई है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो वो मानता है कि वो उसने करवाई है, या वहां जो उसके साइन है जिससे वो डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके अपने, अब वो डॉक्यूमेंट जो है वो साथ लगाएंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को साथ लगा के, और ये डॉक्यूमेंट जो है जिससे डिनाई है कि ये जेली है, ये साइन मेरे नहीं है या अंगूठा मेरा नहीं है, तो वो लेबोरेटरी में भेजेंगे कंपैरिजन के लिए, अब वहां जाकर फिर वो टैली करेंगे। ये याद रखें कि साइन तो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। ये आप देखेंगे जो एक आदमी 20 साल की उम्र का एक नौजवान है उसके साइन, और वही शख्स जो 60 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में पहुंचता है तो वो साइन वो टोटली डिफरेंट हो गए। इसलिए कि एज के साथ साथ वो फ्लो जो है वो कम हो जाता है। अब देखिए 20 साल का नौजवान साइन कर रहा है, एक सेकंड में 80 साल के बाबे को, वही बाबा जो 20 साल में साइन करता था, ये उसी से साइन करवाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता नाम लिखेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो एक या दो मिनट लगाएगा साइन करने में। जो 20-25 साल की उम्र में ये करता था, जब किधर है ये साइन। फिर एक और हिकमत की बात बता दूं जो नफ्सियाती चीज है, ये कुदरत की तरफ से होता है कि जब इंसान नौजवान होता है तो वो तरक्की कर रहा होता है, और आप देखेंगे उसके साइन जब वो करता है तो वो उसके ऊपर की तरफ जाते हैं, वो बुलंदी की तरफ जा रहा है, वो तरक्की कर रहा है। अभी वो नौजवान है, उसकी 20 साल 25 साल 22 साल उम्र है, जब वो 50-60 साल की उम्र में पहुंचेगा तो वो साइन बराबर में करेगा, इस तरह करेगा साइन, क्योंकि अब वो उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है उम्र का। जब वो 70 साल की उम्र में होगा तो उसके साइन नीचे की तरफ होगी। ये हिकमत, ये लॉ नहीं है, लेकिन एक मैं वो हिकमत की या साइंस की या जो भी कह लें जो चीजें हैं उनको सामने रखते हुए, तो ये आप अपना एक्सपीरियंस से देख लें प्रैक्टिकल फील्ड में इस किस्म की बातें। अब ये साइन तो चले वो डिफर कर सकते हैं, लेकिन ये जो थंब इंप्रेशन है ये अल्लाह ताला ने, अब देखे उस खालिक़े कायनात की हिकमत, अरबों इंसान है इस दुनिया के अंदर, लेकिन अल्लाह ताला ने एक शख्स का जो थंब इंप्रेशन है वो दुनिया में उसका एक ही है, उसका नेम अल बदल कोई दूसरा है ही नहीं, वो अमरीका में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जहां भी है, कोई ऐसा दूसरा शख्स नहीं है जिसका अंगूठा है मेरे इस राइट हैंड के साथ, राइट ये थंब के साथ कोई मैच करता हो किसी दूसरे का, मेरे लेफ्ट थंब के साथ कोई मैच करता हो दुनिया के अंदर किसी दूसरे का, नहीं हो सकता। अब वो जब ये फॉरेंसिक के लिए भेजते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो वो आपका थंब इंप्रेशन है उसको वो वहां वो रख के लेबोरेटरी में, तो उसको इनलॉर्ज करते हैं, वो जब इनलॉर्ज करते हैं तो वो अंगूठा जो है ना वो आपके इस पेपर, इस पूरे पेपर के ऊपर आ जाता है, ये हाथ से भी बड़ा अंगूठा बन जाता है, इतना बड़ा अंगूठा जिसमें एक एक लाइन क्लियर। अब एक तरफ एक अंगूठा जो एडमिटेड है और दूसरी तरफ जो डिनायल है, अब दोनों अंगूठे जो है वो जब साथ साथ रखेंगे और उनको बड़ा कर दिया जाएगा, वो हाथ के बराबर आ जाएगा, तो एक एक लाइन, एक एक लकीर, एक एक कर्व जो है वो बड़ा क्लियर होगा जब आप उसको आपस में टैली करेंगे। अब किसी की सीधी सीधी लाइनें होती हैं, किसी के कर्व होते हैं छोटे छोटे, किसी के थोड़ा बड़ा कर्व होता है, इस तरह यानी आप अंगूठे को जरा बड़ा करके देखें तो इसमें हर एक का वो डिफरेंट होता है। अब एक इंसान का भी लेफ्ट और राइट का भी टोटली डिफरेंट है, वो ये भी आपस में नहीं मिलते एक इंसान के भी। अब इस चीज को सामने रखते हुए फिर वो लेबोरेटरी में टेस्ट करके फिर वो रिपोर्ट देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इस जी
सर अक्सर देखने में आया है कि जब 60 50 50+60 जो लोग जाते हैं तो उनके ये जो अंगूठों के निशान है वो खत्म हो जाते हैं जी, वो खत्म हो जाते हैं जी उसमें। अब देखिए चूंकि वो जाहिर है उसके वो खत्म हो जाते हैं, वो प्लेन हो जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स, आप तो डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज कर रहे हैं ना, तो वो एक तो ये है कि ये जो खत्म हो गए, एक तो वो उस बंदे को जो कोर्ट में बुलाकर उसके अंगूठे लगवाए जाते हैं, प्लेन पेपर पे 5-6 अंगूठे लगवाए जाते हैं, और उसके बाद वो जो डिनायल है, ये जेली है जिसको कह रहे हैं कि ये जेली है मेरा नहीं है, तो उसको इसके साथ टैली करने के लिए भेज देते हैं। दूसरा ये है कि जो एडमिटेड डॉक्यूमेंट है वो तो उसी के है ना, जो उसने रजिस्ट्री करवाई है अपनी बीवी के नाम पे, बेटे के नाम पे, जो उसने शिनाख्ती कार्ड बनाया शिनाख्ती कार्ड पे तो उसी का अंगूठा है ना, जो उसने 30 साल पहले बनाया था, 40 साल पहले, ठीक है, वो उसने कोई वोट डाली थी किसी जगह, किसी एमएलए एमपीए किसी काउंसलर को दी थी तो वहां भी अंगूठे लगाए थे ना, कहीं स्टाम्प पेपर लिया तो वहां अंगूठे। आप तो हर रोज अंगूठे लगाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हैं अंगूठा लगाते हैं, तो हर जगह मिल जाता है, आप पासपोर्ट बनाते हैं अंगूठा लगाते हैं, ठीक है, तो ये तो वो डॉक्यूमेंट फिर बुलाए जाएंगे, जरूरी नहीं है कि वो उसको बुलाकर अंगूठे लगाए, भाई उसका तो वो प्लेन हो गया है, इस तरह वो तो हल मौजूद है। तो इस तरह ये यानी ये फॉरेंसिक के लिए भेजेंगे। और एक और यहां जो है 84 के हवाले से मैं बात करूंगी, इसकी सपोर्ट में जो जजमेंट्स आई हैं, कोर्ट खुद भी कंपैरिजन कर सकती है, जरूरी नहीं है कि वो लेबोरेटरी में भेजे, फॉरेंसिक के लिए भेजे, कोर्ट खुद भी टैली कर सकती है, सब्जेंट है, दोनों चीजें सामने रख, मतलब साइन है तो जो एडमिटेड है उनको सामने रखते हुए और जो डिनायल है उनको सामने रखते हुए कोर्ट जो अपनी फाइंडिंग दे सकती है कि ये जली है या असली है, सभी एंड है, कोई जरूरत नहीं है लेबोरेटरी में भेजने की। 85 है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब जितने सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या वो सारे जिस तरह ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जितने भी है या ये जुडिशियल रिकॉर्ड जितने जो भी है, ये सारे का सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट वो जो पब्लिक का कोई भी शख्स अप्लाई करके ले सकता है। आप एक सरकारी दफ्तर में एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, मैं फीस पे करूंगा, मैं परफॉर्मा फिल करूंगा, मैं उस पर टिकट लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा, मैं ले लूंगा, आपका डॉक्यूमेंट जो आपकी फेवर में है या आपकी तरफ से एग्जीक्यूट किया गया है तो मैं ले सकता हूं, चूंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और पब्लिक डॉक्यूमेंट के हवाले से लॉ ये है कि वो जेन्युइन तसव्वुर किया जाएगा, वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फर्जी नहीं हो सकता, जेली नहीं हो सकता, प्रिज्यूम किया जाता है अनलेस की प्रूफ, ठीक है, अगर जेली है तो कोई चैलेंज करे कोर्ट ऑफ लॉ उसको प्रूव करेगी ना जेली है, लेकिन जब तक उसको चैलेंज नहीं किया जाता और कोई कोर्ट ऑफ लॉ उसको डिक्लेयर नहीं कर देती कि ये जेली है, उस वक्त तक वो जेन्युइन ही तसव्वुर किया जाएगा। तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट। और उसके अलावा 86 में है कि ऑल अदर्स आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, यानी वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा बाकी जितने भी उसमें 84-85 में दिए, उसके अलावा बाकी जो है वो सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स तस्वर किए जाएंगे। अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को भी प्रूव करने का एक प्रोसीजर है जो सीपीसी के अंदर दिया हुआ है। अब वो प्रोसीजर क्या है उस पर फिर उसकी तशरीह में फिर जजमेंट्स भी आई है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट उसको प्रूव करने के लिए ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट को आप तलब करेंगे जिसने तैयार किया, स्क्राइब, वो स्क्राइब जो है वो आकर के कहेगा कि ये मेरी राइटिंग है, ये मैंने लिखा है, ये मैंने तैयार किया। अब इस तरीके से यानी वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट, अब जिस तरह आप ये सामान खरीदते हैं, ये बार दफा ये फैमिली मैटर्स में सामान जेज वगैरह के हवाले से ये डिस्प्यूट अराइज होता है, ये वो कहते नहीं इन्होंने जेज दिया नहीं था, अब शादी हो रही है, शादी की डेटें भी निकाह ना वो सारी चीजें जो है तो उससे पहले हफ्ता 10 दिन पहले जो सामान ले रहे हैं वो जरा उसी के लिए ले रहे हैं, अब बाप लेता है या भाई लेता है, जरा मर्द ही लेते हैं, खवातीन तो नहीं, वो उनके नाम पे रसीद जारी की जाती है। अब ज्वेलर के पास जाते हैं, ज्वेलर जो है वो नाम लिखता है, वो ज्वेलरी बनाता है, वो अपनी बुक के अंदर भी रजिस्टर के अंदर भी एंट्री करता है और आपको रसीद दे देता है,
आप बर्तन लेते हैं, उसकी कपड़े लेते हैं, आप फर्नीचर लेते हैं, जो भी आप चीज परचेज करते हैं वो आपको रसीद देता है। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आप मकान बनाते हैं, जो बेनामी का मैंने आपको बताया, अब बेनामी प्रूव करने के लिए आपने यही बताना कि ये बिल्डिंग बनाई मैंने है, सीमेंट की रसीदें आपके पास हैं, सरिये की रसीदें आपके पास हैं, सामान की इलेक्ट्रिक के सामान जितना भी खरीदा है वो आपने खरीदा है, टाइलें आपने खरीदी हैं, तो वो सारी रसीदें आपके पास हैं, उन रसीदों को कैसे प्रूव करेंगे? वो जिसने जारी किया उसको बुलाएंगे ना, उस दुकानदार को बुलाएंगे, वो अपना रजिस्टर लेकर आएगा, वो लिखेगा हाँ जी मैंने मोहम्मद बख्श साहब को फलां तारीख को ये मेरे पास ये मैंने सामान बेचा है जो मेरे रजिस्टर के सीरियल नंबर फलां पे जनाब एंट्री मौजूद है। अब वो सीरियल नंबर फलां जो उसका रजिस्टर है वो कॉपी भी एग्जिबिट करवाएंगे आप, जो उसके पास रिकॉर्ड है, ये सबूत है, रसीद तो है, उस रसीद के साथ वो उसके पास जो रजिस्टर है वहां जो एंट्री हुई है, तो इस तरह ये साबित होगा। तो ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट किस तरीके से साबित करना है, इस तरीके से ये होगा। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब एक तरफ ये है 102, अब आर्टिकल 102 है, एक तरफ जबानी गवाह हैं, शाते हैं, और दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट है। लॉ ये कहता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल प्रिवेल ओवर ओरल एविडेंस। एक तरफ एक डॉक्यूमेंट है और दूसरी तरफ 10 जबानी गवाह हैं, वो 10 गवाह जबानी जो बात करते रहेंगे उनकी बात में इतना वजन नहीं है, वो तस्लीम नहीं की जाएगी। एक तरफ जो डॉक्यूमेंट है, कानून ये कहता है कि ये डॉक्यूमेंट सच्चा है, ये सारे जबानी गवाह जो हैं ये झूठे, ये साबित नहीं होता। तो ये है आर्टिकल 102 कि डॉक्यूमेंट, जहां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो प्रिवेल करेगी ओवर ओरल एविडेंस। तो यहां वजन है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का, ना कि ओरल एविडेंस। और 11 आर्टिकल 113 है, एडमिटेड फैक्ट्स नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड। ठीक है, क्या एडमिशन आ जाए तो फिर उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उस पर एविडेंस कराने की जरूरत ही नहीं है, एडमिशन आ गई सफिशियंट है। और 117 और 118 है, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? लॉ ऑफ इक्विटी आपने पढ़ा हुआ, ही हु अलेज मस्ट प्रूफ, जो अलेज करता है वही प्रूफ करेगा। तो अब ऑनस भी उस पे है, और जो इश्यू फ्रेम होगा वो भी उसी पे ऑनस उस पे होगा। मसलन आपने 50 लाख रुपया लेना है डिफेंडेंट से, वो पैसे नहीं दे रहा, आपने उसके खिलाफ रिकवरी का सूट फाइल किया, रिकवरी ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹50 लाख। आप प्रे भी ये करते हैं कि ये 50 लाख इसने मुझसे लिए थे और ये वापस नहीं कर रहा, तो ये अदालत के थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ ये मुझे दिलाए जाए, डिग्री किया जाए। अब इस पे इश्यू फ्रेम होगा, वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटेड टू गेट एन अमाउंट ऑफ ₹50 लाख फ्रॉम द डिफेंडेंट ओपीपी। तो ये ओनस आप पे, आपने प्रूफ करना है कि आपने पैसे दिए थे और उसने आपको देने, वो तो डिफेंडेंट ने वो जवाब दावा दिया, उसने तो साफ इनकार कर दिया, उसने कहा जी मैंने कोई पैसे नहीं देने इसके, ये झूठ बोल रहा है, ये दावा गलत है, बेबुनियाद है, फ्रिवोलस सूट फाइल किया मेरे खिलाफ, ब्लैकमेल करने के लिए, परेशान करने के लिए, हरासान करने के लिए, इसलिए मैंने कोई, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, ना मैंने इसे पैसे लिए हैं, ना मैंने कोई देना है इसको। अब उसने तो साफ इनकार कर दिया, तो बोनस आप पे है, अलज आप कर रहे हैं, क्लेम आप कर रहे हैं, क्लेमेंट आप हैं, प्लेंटिफ आप हैं, प्रूफ आपने करना है, डिग्री आपने लेनी है। ये याद रखें कि अगर एक्स पार्टी भी हो तो लॉ यही है कि एक्स पार्टी एविडेंस भी करवा के दावा डिग्री नहीं हो सकता जब तक कि आप उस दावे को प्रूफ नहीं करेंगे। ये बात दफा ये आर्ग्यूमेंट होता है कि जनाब दूसरी तरफ से रिबटल ही कोई नहीं है, एविडेंस ही कोई नहीं आई है, इसलिए जब कोई रिबटल नहीं है तो एक स्ट्रेट अवे डिग्री किया जाए, नहीं, कोर्ट ने यह भी तो देखना है कि यह डिग्री भी हो सकता है या नहीं हो सकता। ये आप एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट करके, अब मैं एक बंदे के साथ जो है वो प्रेजिडेंट हाउस का
एग्रीमेंट कर लेता हूं कि मैं जुल्फिकार अब्बासी प्रेसिडेंट हाउस का मालिक हूं और मैंने ये खान मोहम्मद को जो है वो इतने में प्रेसिडेंट हाउस भेज दिया, इतने पैसे मैंने ले लिए बयाना और इतना बकाया जो है वो एट दी टाइम ऑफ ट्रांसफर में दूंगा। अब वो शख्स मेरे खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट का पहले तो ये देखना है ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है या नहीं, जुल्फिकार अब्बासी उस प्रेसिडेंट हाउस का मालिक भी है या नहीं, या प्रेसिडेंट हाउस इसके नाम पे भी है या नहीं, ये बेच भी सकता है या नहीं। वहां तो अलवी साहब बैठे हुए हैं, वहां तो गेट से अंदर कोई नहीं दाखिल होने देता उसको, जुल्फिकार अब्बासी को भी, तो भाई वो कैसे बेच सकता है? वो कौमी असेंबली की बिल्डिंग को बेच सकता है, प्रेसिडेंट हाउस को बेच सकता है, ये बार काउंसिल की बिल्डिंग को बेच सकता है, मैं बेच सकता हूं। ठीक है, आज मैं अहदेदार हूं तो मैं कहूं मैं कॉम्पिटेंट हूं, मैं बिल्डिंग की अगर सौदा कर दूं तो मैं बेच सकता हूं, भाई नहीं कर सकता। मेरे अपने लोग, मेरा लोकल स्टैंडाई क्या है, मेरी इंटाइटलमेंट क्या है, मेरा टाइटल क्या है, मैं कॉम्पिटेंट भी हूं या नहीं, मैं एग्रीमेंट कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, फिर इस एग्रीमेंट की हैसियत क्या है, फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखना है कि ये वॉइड है, ये वॉइडेबल है, ये कंटिजेंट है, ये कौन सा एग्रीमेंट है। तो ये इन चीजों को कोर्ट ने देखना है, और रिबटल ना भी हो, एक्स पार्टी भी एविडेंस कराई है तो दावा खारिज। इस तरह बर्डन ऑफ प्रूफ है ये कि ये किसके ऊपर है और किसने प्रूफ करना है। उसको सीपीसी में भी दिया जाता है या सीआरपीसी में, दोनों में दिया जा सकता है। सीआरपीसी में तो कोई प्लीडिंग नहीं होती ना, सीआरपीसी में तो देखें जो एफआईआर होती है उसके बाद फिर जब चलान आता है, ट्रायल होता है, तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है, प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस देनी होती है, दूसरी तरफ से तो एविडेंस आती नहीं है। बार दफा अब देखें जब चार्ज फ्रेम होता है, तो चार्ज फ्रेम होता है तो लास्ट जो क्वेश्चन किया जाता है उस पे मुल्जिम पे कि क्या आप अपनी शहादत सफाई देना पसंद करेंगे या देंगे, वो कहते नहीं, वहां हां या ना ही लिखे जाते हैं ना, जी हां या नहीं, तो लिखा नहीं, मैं शहादत सफाई नहीं देना चाहता, ये इन्होंने मुझ पे केस किया हुआ है ना कि कत्ल किया है इसने, साबित करें कि मैंने कत्ल किया, मैं क्यों शहादत सफाई दू, इन्होंने केस पर्चा मुझ पर कराया कि ये चोर है, इसने मेरी चोरी की है, तो ये साबित करे कि मैं चोर हूं, डकैत हूं, ये साबित करे। इन्होंने कहा कि ये जरा मुंशियात फरोजता है, इससे इतने ग्राम मुंशियात वो निकली है, मैं अपने हक में कोई शहादत नहीं देना चाहता, ये प्रोसिक्यूशन साबित करे कि मैं मुंशियात फरोज हूं, मैंने ये बेची है या मैं पकड़ी है मुझसे, तो ये चीज वो प्रोसिक्यूशन की पोजिशन, वहां क्रिमिनल में पोजिशन और होती है, यहां तो है इश्यूज फ्रेम होते हैं, इश्यूज में ये चीज इसने प्रूव करनी है, ये चीज इसने प्रूव करनी है, इस तरह कुछ लीगल होते हैं क्वेश्चन। मसलन आप लिमिटेशन का क्वेश्चन है, आप डिफेंडेंट साइड से आते हैं तो आप ऑब्जेक्शन लेते हैं, प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन, सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज होपलेसली बार्ड बाय टाइम, अब इस पे इश्यू फ्रेम होगा वेदर द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज बार्ड बाय टाइम ओपीडी, तो ये ऑनर्स आप पे है, डिफेंडेंट है आप, ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट, तो आपने साबित करना है कि ये टाइम बार्ड है, ये फलां तारीख को ये नॉलेज हो गया था इनको, इनकी लिमिटेशन यहां से स्टार्ट होती है, ये आर्टिकल है लिमिटेशन एक्ट का जिसकी इतनी मैक्सिमम लिमिटेशन है, ये उससे बाहर आए इतने साल के बाद आए, ये टाइम बार्ड है, तो इसी पे फारे मैरिट्स पे, वो फैक्ट्स पे नहीं जाएंगे फिर। सीपीसी में जो केस उन्होंने शहादत, जो शहादत का तरीका कार है उसमें दो एविडेंस जो आपने डाले हैं, दो दो की शहादत, दो की, और सीआरपीसी में एक की काफी है या दो, दो ना? देखिए ये तो डिपेंड करता है ना आप पे, मैं आपको बताऊं कि आपका केस क्या है, आपने उस केस की नोयत को सामने रखते हुए करना है ना। फौजदारी में तो आपने जरा मेन आपका फोकस क्रॉस एग्जामिनेशन पे है, क्रॉस एग्जामिनेशन आपने शेक कर दिया गोम को तो आप बरी हो जाएंगे, आप पागल हैं। मैं समझता हूं कि जो शहादत सफाई दे और वो मुल्ज़िम जाकर वो बयान दे ऑन ओथ और उस पे जरा हो तो जरा में जो खामियां रह गई उनके केस में तो वो इससे साबित करवा ले तो ये सजा हो जाए इसको, तो वो क्यों ऐसे हरकत करेगा कि वो शहादत में पेश होकर जरा फेस करके अपने खिलाफ कोई ऐसी चीज वो निकल आए, तो फिर तो ऐसी चीज आए ना रिकॉर्ड पर, तो आपने प्रोसिक्यूशन को ही शेक कर दिया इतना कि वो बरी हो जाएगा, तो ये
आपने देखना है। मसलन मैं शुभे की बात करता हूं, मैं अगर डिफेंडेंट साइड से आता हूं तो मैंने डिफेंडेंट की कभी भी शुभे में शहादत नहीं करवाई, प्लेंटिव पे ही जरा करके, चूंकि वहां तलब थे, अब प्री रिक्विजिट कंडीशन है तलब, वो जो थ्री एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है उसके, तलब मौसबत, तलब शाद और तलब खसूमत। अब ये बेसिक लॉ है कि प्री रिक्विजिट कंडीशन है फॉर फाइलिंग ऑफ सच नेचर ऑफ सूट। अब जब मैं उस पर तलब से मैं देखता हूं कि यह तलब मौसबत ही पूरी नहीं हुई है, इसी पे दावा उड़ जाएगा, तलब शाद भी पूरी नहीं हुई है, इस पे दावा उड़ जाएगा, कोई एक आध चीज पे दावा उड़ जाएगा, तो मैं पागल हूं कि डिफेंडेंट की को मैं पेश करके उसकी शहादत करवा के तो वो जरा करें तो ये कुछ चीजें मान ले तो उनका केस बन जाए। तो मैं तो जरा करके साथ ही कहता हूं जनाब मेरी भी बयान लिख ले, मैं डिफेंडेंट साइड से कोई शहादत नहीं करवाना चाहता। ये लीगल इशू है ना मेरे, जो ऑनर्स है मैंने तो इश्यूज देखने, ये इश्यूज है, इन पे कोई ऐसी शहादत बनती नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। ये मेन जो इश्यूज है इनका ऑनर्स या ब्रांडेड पे साबित इन्होंने करना है, तो मैं इसी पे आर्गुमेंट्स के लिए केस रखते हैं, मैं शहादत करवाते ही हूं उसी से फारग। उसमें ये है कि देखिए ये हिकमत की चीजें होती हैं, इसमें आपने अपने केस को सामने रखते हुए देखना है। बगैर शहादत कराए मैं अगर दावा खारिज करा दूं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी ना, देखिये जी उन्होंने चार गवाह कराए, पांच गवाह कराए और हमारे वकील ने एक भी गवाह नहीं कराया, मुदालह को भी पेश नहीं किया, उन्होंने वैसे ही हमने इनका दावा खारिज करा दिया, दर्जन इन्होंने गवाह कराए, देखो इतनी लंबी चौड़ी शादियां उन्होंने करवाई है, तो क्या जनाब मेरा वकील इतना बड़ा जबरदस्त वकील है, उसने तो वो जनाब शहादत भी नहीं करवाई और उनका दावा खारिज करवा दिया। तो ये वकील को पता होता है ना कि ये लीगल चीजें होती है, वो तो इगले बहन है ना, लौके वाले से दोनों ही जानते। तो ये आपने अपनी भी तो पोजिशन बनानी है, गुडविल बनानी है कि आपकी वकालत कैसे चमकेगी, आपका नाम कैसे बनेगा, तो आपने देखना है ना वो केस की खूबियां और खामियां, तो उसको सामने रखते हुए आपने फैसला करना होता है। स्टाम्प पेपर पे उसकी जितना हमारा दावा होता है वो प्रिंट करके शहादत करा देते हैं। इस पे वो जो कितने केस ऐसे कामयाबी वाले, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि आप लॉ को सामने रखते हुए खुद अगर ड्राफ्ट करें कानून को सामने रखते हुए तो मैं गारंटी देता हूं 80% का 100% तो मुमकिन नहीं है, ठीक है 10-20% तो ये कुछ है, केस में इनहेरिटेड खामियां भी होती हैं, कुछ लॉ आपके खिलाफ चला जाता है, इस हवाले से वो 10-20% तो छोड़ दें, लेकिन कम अज कम 70-80% आपकी कामयाबी है अगर आप इसको, ये जो आप बता रहे हैं स्टाम्प रोल और वो सिस्टेनो, तो फिर ऐसे दावे फारिग ही हो जाते हैं ना। और सर जब शहादत के टाइम जब वो उसकी मुदई की लेट्स सपोज शहादत है उसकी वो स्टाम्प पेपर में कितना जी हां है वो लिख के हम कोर्ट में, ठीक बात है, उसके ऑब्जेक्शन करना बनता है हमारा क्योंकि 71 क्या है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, नहीं वो पेश हो रहा है ना, ये ओरल एविडेंस ही है ना उसकी, आप उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वो कोर्ट में ही आकर बयान दे रहा है ना, वो कोर्ट में अपियर हो रहा है और वो आप उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आप भी फिर अपनी तरफ से डिफेंडेंट की तरफ से एविडेंस वो स्टाम्प पेपर पे जो है वो देखे थे, क्रॉस एग्जामिनेशन तो दूसरी पार्टी ने करना होता है ना। अब देखिये ये फैमिली मैटर्स है या रेंट मैटर्स है, अब ये समरी नेचर के केसेस हैं, तो इसमें एफिडेविट की है, वो कहते हैं कि ठीक है तलाक का केस है एफिडेविट दे दें, रिकवरी ऑफ डावर का केस है ठीक है, डावरी आर्टिकल्स का केस है, मेंटेनेंस का केस है, तो इसमें क्या जबानी भी तो वही कहना है ना जो आपने चार पांच लाइनें जो लिखनी है कि भाई ये खर्चा नहीं दे रहा, ये उसके सोर्स ऑफ इनकम है और ये मेरा मंथली खर्चा है, ये देने का पाबंद है ठीक है, तो ये तलाक है मुझे इससे नफरत हो गई है मैं नहीं इसके साथ रहना चाहती, सफिशियंट है, कोई लंबी चोरी का ये याद रखे, एक आप क्योंकि नौजवान है और हमारी ये ड्यूटी भी बनती है आपको एजुकेट करना और आपको ये चीजें बताना, ये याद रखें कि आप इस माशरे के आम अंसर हैं, आपने इस माशरे को एजुकेट करना होता है, नफरतें मोहब्बतें आपके जरिए ही बनती भी हैं और खानदान तबाह भी हो जाते हैं। मैंने जब स्टार्ट में आप तो खैर बहुत तब्दीलियां आ गई हैं लॉ के अंदर भी और वकला भी बहुत अच्छे और बड़े अच्छे अदारों से पढ़ के आते हैं, और अब जो हमारे मैं चूंकि वो एनरोलमेंट कमेटी में देखता हूँ, हम इंटरव्यू भी लेते हैं जब, तो बड़ी खुशी होती है कि वो जो नए लोग आ रहे हैं वो इतने वेल प्रिपेयर्ड होते हैं और उनकी इतने
उनका नॉलेज होता है और इतनी लीगल अप्रोच होती है, वो हमें खुशी होती है कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस लॉ के वाले से, ठीक है। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप 4-5 साल के बाद आप देखेंगे कि ये बार ये वो बार नहीं होगी, ये कोई और बार होगी, ये इतनी नफीस बार होगी, इतनी जबरदस्त बार होगी कि ये अब ये जो सिलसिला शुरू है लेट गेट एचईसी बार काउंसिल और ये इंटरव्यूज और जजमेंट्स, इतनी ये 40 जजमेंट्स पढ़ के आए, फिर हम जो 10-15 मिनट जो लगाते हैं वहां इंटरव्यू में, पूरा वो उसमें से शेक होकर निकलता है बंदा, वो पॉलिश होकर निकलता है। तो आप देखें कि वो वकील फिर वो वाला वकील नहीं होगा जो टीवी पे आता है या बुकला गर्दी, ठीक है, यो जो बना ये वकील साहब ये बदमाशी कर रहे हैं, ये फलाम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो ऐसा आंसर जो 1-2% है जिन्होंने पहले लाइसेंस ले लिए हैं और लाइसेंस भी ले लिए बार काउंसिल के मेंबरान से, कि बार काउंसिल के मेंबर के पास जब फाइल आती थी तो वो कोई सिफारिश करता था जिससे हमने वोट ली होती थी, क्योंकि यार ये अपना है, भतीजा है, भांजा है, बेटा है, फुला है, यार ये अपना बंदा है, एक वोट बन जाएगी, ये जरा कुगी मार देना फाइल पे, फाइल आपके पास आई है कुगी मार देना। वो जो कुगियां मारते थे और उस कुगियों की जो पैदावार है, वो जो दुकानदार है वो वकालत नहीं करता, वो दुकानदारी करता है, वो वकालत नहीं करता, जो प्रॉपर्टी डीलर है, वो जो शोरूम में बैठा गाड़ियां बेच रहा है, वो कोई और कारोबार कर रहा है और वहां उसकी किसी काम के साथ लड़ाई हो जाती है, तो वो कहता है जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं वकील हूं। तो फिर वहां वो वीडियोस बननी शुरू हो जाती है जी वकला गर्दी, और वो पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है कि वकील ये काम करते हैं, हालांकि वकील ये काम नहीं करते। आप देखें कि ये जो चलान होते हैं, आप मोटरवे पे जा रहे हैं, आप हाईवे पे जा रहे हैं, किसी सीनियर वकील के आपने देखा है कि किसी वो वीडियो आई हो कि उसने अपने आप को शो किया हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूं? कभी भी वो तारफ भी नहीं कराता, इसलिए कि वो समझे एक तो मैंने वायलेशन की है, एक लॉ का उसके फील्ड के साथ तल्लक रखते हुए कानून जानते हुए, और फिर मैं तारफ कराऊं कि मैं कानून दान हूं, तो ये मेरे पेशे की बदनामी है, इसलिए वो नहीं करता। और अक्सर मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, मैं एक तो बेल्ट नहीं बांधता, तो वो अक्सर बार दफा रोक लेते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ, इशारा देकर मैं साइड पे खड़ी करता हूँ, वो आते हैं जी, तो मैं कहता हूँ गालिबन कोई वायलेशन हो गया जी, आपने बेल्ट नहीं बांधी, वो फिर मैं सॉरी कर दूंगा कि यार ये जहर है, आप मेरी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, ठीक है नहीं बांधी, या ओवर स्पीड है तो वहां अगर 70 की लिमिट है, मैंने देखी नहीं है, मैं 100 पे जा रहा हूं, तो वो रोकेंगे। तो अगर मैं सॉरी कर दूंगा यार ये सॉरी मैंने देखा नहीं है कि कितनी लिमिट है, तो ये जरा आपकी ड्यूटी है, आप मेरी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं ना, तो आपका अख्तियार है, तो मैं कोशिश करूंगा आइंदा वायलेट ना करूं, अगर उसके बावजूद आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना चालान करना चाहते हैं तो ये ले, ये बुक है, ये लाइसेंस है। तो मैं नहीं समझता आज तक कोई ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला कि जिसने फिर भी कहा कि चालान करूंगा, उसने कहा ठीक है अब आइंदा एहतियात कीजिए। लेकिन एक आदमी जो वकील नहीं है वो ही तारफ कराता है, और उसने अपने गाड़ियों के ये देखे जितने गाड़ियों के पीछे जो लिखा होता है ना एडवोकेट हाई कोर्ट, इसलिए उनको मोहल्ले वाले भी नहीं जानते, और वो अपने आप को दिखावे के लिए करते हैं कि मुझे वकील माने मैं एडवोकेट हूं। जो वकील होता है उसको बोर्डों की भी जरूरत नहीं होती, जितने नामवर वकील हैं लोग जहां कोने खुदरे में बैठे हुए गलियों में बैठे हुए लोग तलाश करके वहां पहुंच जाएंगे, फलां वकील के पास जाना है। लेकिन ये जो बड़े बड़े बोर्ड लगाए होते हैं ना चौकों के ऊपर सड़कों के ऊपर, ये आप बाहर जाए मुख्तलिफ चौकों पे बोर्ड लगे हुए हैं, जरा उनके दफ्तरों में जाकर देखें कितनी लाइनें लगी हुई हैं उनके पास केसेस की। ये बोर्डों वाले के पास कोई नहीं, ये याद रखें कि बोर्ड लगाने से बड़े बड़े और बड़ी बड़ी डिग्रियां लिखने से चौकों पे और सड़कों पे बोर्ड लगाने और तीर के निशान देख रहे ओवन वकील, तो ये इस तरह केस नहीं आते, केस परफॉर्मेंस से आते हैं। आप एक केस करें आपकी परफॉर्मेंस ठीक होगी, वो आपका सफीर होगा, वो ही आपकी एडवर्टाइजमेंट करेगा, वो 10 केस और लेकर आएगा। ये ओपन कंपटीशन का फील्ड है, अदालत में पता चल जाता है, मैदान हाजिर घोड़ा हाजिर, इसमें बताने की तो मैं बहुत बड़ा वकील हूं, जानते नहीं हो मैं कौन हूं,
तो ये वो लोग करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 1% या 2% है इस कम्युनिटी के अंदर, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी वजह से ये पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है कि ये सारे वकील ऐसे, हालांकि सारे वकील ऐसे नहीं होते। तो ये चीज है कि इन चीजों को आपने आगे ये इसको ट्यूट करना है। और दूसरा, ये जो हमारे माशरे में एक और चीज जो गलत ये रूमर है कि वकील झूठ बोलते हैं, ये मेरे जहन में भी था शुरू में, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट फारिग होके आता है ना, तो वो उसके जहन में बड़े एम होते हैं कि मैं बड़े मुल्क और कौम की खिदमत करूंगा, ये अक्सर डॉक्टर बनना है, मुल्क इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, तो वो बड़ा एक जज्बा होता है। वो जब माशरे में आता है, देखता है, कचहरी में आता है, तो कचहरी की तो ईंटें भी पैसे मांगती है, जहां करप्शन देता है, रीडर पैसे ले रहा है, जज रिश्वत दे रहा है, अहमद पैसे ले रहा है, ये करप्शन जब आप देखते हैं तो वो फेडअप हो जाता है, वो परेशान उससे परेशान हो जाता है कि यार मैं किस में। ये याद रखे कि ये इतना ऑनेस्ट और नोबल पेशा है कि इसमें वकील झूठ बोल ही नहीं सकता, इसलिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट आता है, आप उस डॉक्यूमेंट को देखिए, जो जिन केसेस के मैंने हवाले दिए, जिन डॉक्यूमेंट्स को मैंने रेफर किया आपके सामने अभी, आप बताएं कि यहां कहां मैंने झूठ बोला, मैंने तो लॉ की बात, डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ लॉ की बात की है। तो आप उस डॉक्यूमेंट को सामने रख दो, बेसिक लॉ को देखेंगे तो आपने लॉ की तशरीह करनी है, आप अपने पास से तो कुछ नहीं कह सकते कहां आपने झूठ बोला है। तो ये आपने ये प्लीड करना है इस माशरे के अंदर कि वकील झूठ बोल सकता ही नहीं है, और ये सबसे नोबल और ऑनेस्ट पेशा है, इससे बेहतर मैं मुकद्दस पेशा किसी और पेशे को नहीं समझता। क्योंकि मैं इस पेशे के अंदर जब आया हूं, क्योंकि मैं बड़े खौफ थे डॉक्टर बनूंगा, मेरे चूंकि सब्जेक्ट भी मेडिकल के थे, एफएससी मेडिकल ने किया है, मेरिट पे नहीं आ सका, डॉक्टर नहीं बन सका। अब जाहिर है घर वालों की भाइयों की ख्वाहिश थी, वालदा की ख्वाहिश थी डॉक्टर बनना है, फिर चले जी बीएससी कर ले, अब बीएससी मेडिकल बायोटनी जूलॉजी केमिस्ट्री रख ली, चले बीएससी के बाद शायद मेरिट पे आ जाए, बीएससी के बाद भी नहीं आ सका, तो पर चले अब क्या कर लीजिए, लॉ ही कर लेते हैं। फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एलएलबी ऑनर्स कर लिया, लेकिन जहन में खलश थी यार ये वकालत पता नहीं पेशा कैसा है, ये झूठ बोलते हैं वकील, ये कमाई पता नहीं जायज होगी या नहीं होगी, तो सारी जिंदगी में हराम की कमाई पाऊंगा। लेकिन जब इस पेशे के अंदर आकर आज मैं समझता हूं कि वो कहते ना, वो जो कुरान पाक किया है वो क्या है, हाफिजा वो मकरुल्ला वल्ला माकरीन वाली, कि अल्लाह अपनी चाल चलता है, अपनी तदबीरें करता है, और इंसान अपनी चाल चलता है या तदबीर करता है, तो अल्लाह की चाल बेहतर चाल होती है। हम तो दुनिया में तो हम सोचते हैं ये बन जाए, उधर कोशिश कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ और सोचा होता है आपने, नहीं नहीं अब जिधर मर्जी भेजो तुम्हारे लिए मैंने ये फील्ड चूज की हुई है। आज मैं समझता हूं अल्लाह ने मेरे लिए इतनी जबरदस्त फील्ड चूज की थी कि मेरा तो ये नेचुरल प्रोफेशन है, मुझे इधर ही आना चाहिए, मैं ऐसे ही इधर उधर घूमता फिरता रहा हूं, इधर अप्लाई करो, उधर अप्लाई करो, उधर अप्लाई करो, तो इससे बेस्ट प्रोफेशन कोई नहीं है। ये वलियों का पेशा है, ये नेकी का पेशा है, और ये इतना जबरदस्त पेशा है कि जहां आप जितनी इज्जत इसके अंदर है किसी और प्रोफेशन में नहीं है, इतनी रिस्पेक्ट आप एंजॉय करते हैं आप सोच नहीं सकते। आज मैं कहता हूं कि अगर मैं डॉक्टर होता, इंजीनियर कोई भी होता, आर्मी ऑफिसर होता, कोई किसी सरकारी मुलाजिम होता, तो मुझे चंद लोग जान रहे होते। मैं इस प्रोफेशन के अंदर आया हूं, आज मैं कल मैं जुडिशियल एकेडमी में एक कोर्स चल रहा था, वहां मैं लेक्चर देकर आया हूं, मैं 25 साल रावलपिंडी लॉ कॉलेज में पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, 25 साल मैंने पढ़ाया लॉ, मैंने कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। अब जुडिशियल, अब वहां से जो स्टूडेंट निकलते हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए। अब एक ये मेरी वाइस चेयरमैन था तो मुल्तान में हमारा एक वो थी राजा खालिद साहब मेरे साथ थे, तो इन्होंने चूंकि ये मीडिया ज्यादा वो
करते हैं, मैं तो इतना वो इस्तेमाल नहीं करता मीडिया के हवाले से, तो इन्होंने वो ऐसे पोस्टर लगा दी मेरे हवाले से कि मुल्तान में वहां सेमिनार है और पूरे ऑल पाकिस्तान वो कन्वेंशन था उस हवाले से। वो जनूबी पंजाब में जितने हमारे से, मुझे अंदाजा नहीं था कि मुजफ्फरगढ़ से फोन आ रहे हैं, लेहिया से, बखर से, इर्द गिर्द के जितने भी वो इलाके थे जी, मैं सिविल जज हूं फलान, मैं डिप्टी अटॉर्नी हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हूं फलाम, मैं फलाम महकमे में मैं लॉ ऑफिसर हूं, यानी मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के, सर मैं आपका स्टूडेंट हूं तो ये आप इधर आए तो ये ना, ये मेरा इतना फासला है, या मैं आ जाता हूं सर हमारे पास ठहरे। तो ये राजा खालिद साहब मेरे साथ थे, तो ये कहते यानी ये देखे जो मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि इतने, अब वो पूरे पाकिस्तान, क्वेटा से भी पार काउंसिल के नुमाइंदे आए हुए थे, तमाम पाकिस्तान से हाई कोर्ट के सदूर और प्रोवेंशियल बार काउंसिल्स के अहदेदार, पाकिस्तान बार काउंसिल के अहदेदार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहदेदार सारे, लेकिन जनूबी पंजाब में जुल्फिकार अब्बासी छाया हुआ सोशल मीडिया पे। कि उसकी वजह क्या थी कि वो स्टूडेंट, वो शागिर्द जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस या वो जो लॉ ऑफिसर या जुडिशियल ऑफिसर जो ट्रेनिंग के लिए वहां आते हैं जुडिशियल एकेडमी में, अब फिर वो जो ईद के मौके पे वो मैसेज आते हैं या वो टेलीफोन आते हैं मुबारकबाद की ईद मुबारक, खुशी होती है जनाब मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लाड़काना बोल रहा हूं, मैं सर फलां एडिशन सेशन या जैसे जब कोयटा या लोरा लाई या सिब्बी या पशीन या वो इस तरह हैदराबाद, डेरा इस्माइल खान और गिलगित, तो खुशी होती है ना। तो आप देखें कि जो रिस्पेक्ट, जहां आप जाएं आपको वो रिस्पेक्ट मिलती है, ये किसी और प्रेशर में है, जितना पैसा इसके अंदर है। आज आप सोच लें कि मैं इस प्रोफेशन में आया तो मैंने कितना पैसा कमाना है, ये जो आज आप सोचेंगे आपकी सोच से भी इतना ज्यादा पैसा है कि वहां तक आपकी सोच नहीं जा सकती कि आप इस पेशे में कितना पैसा कमाएंगे। इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, सब कुछ इसी में है, और अपनी उखरवी जिंदगी भी आप सुधार सकते हैं। यहां आप हर रोज जन्नत कमा सकते हैं, जन्नत खरीद सकते हैं। यहां हर रोज हम बेवाओं के, यतीमों के, डिजर्विंग पर्सन के केसेस करते हैं, और वो जो दुआएं देते हैं, एक तरफ हम लाखों रुपए फीस ले रहे होते हैं, दूसरी तरफ मुफ्त केस कर रहे होते हैं इसका, और उसको कहते हैं आपने आना भी नहीं है, किराया खर्च कम से कम 500,000 रुपया आपका आने जाने का किराया लग जाएगा, आप ना आए, टेलीफोन पे आप तारीख पता कर लें, जिस दिन आपकी जरूरत होगी उस दिन आपको बुलाएंगे और किराया भी मुझसे लेकर जाएंगे। तो वो जो कामयाबी होती है उनको, वो जो हक मिलता है, तो आप सोच नहीं सकते, वो जो दुआएं उनके अंदर से निकलती हैं, वो जो मुझे एक मां के बेटे को जो फाले चलता थी, जिसका प्लॉट जो है जेल साजी के जरिए अंगूठे साइन करवा के एग्रीमेंट करके वो जेली दावा कर दिया, और उसके बेटे मेरे पास आए कि ये हमारी मां फाले जदा है, ये इतने सालों से चारपाई में पड़ी हुई है, ये तो उठ भी नहीं सकती, तो ये इन्होंने प्रॉपर्टी डीलरों ने मिलकर एग्रीमेंट बनवा के हमारी मां का और अटॉर्नी भी बनवा ली और दावा करके वो ये डिग्री करवा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आपसे फीस भी नहीं लेंगे, केस करेंगे, और केस किया, और वो हाउसिंग फाउंडेशन का प्लॉट, वो जब दावा हमारा डिग्री हुआ और उनका, मैंने कैंसिलेशन का उसके वो डॉक्यूमेंट्स की कैंसिलेशन किया उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, जब उनका दावा खारिज हुआ और हमारा दावा डिग्री हुआ, वो मिठाई लेकर आए, उससे पहले वो 6 लाख पे राजी हो गए थे सर, वो दूसरी पढ़ने में, एक सरकारी मुलाजम था बेचारा, वो लड़का क्लर्क था, कहते हम तो तरीके भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तुमने वो 6 लाख रुपए दे रहे हैं, तो हमने तो वो वाले साहब ने अप्लाई किया था, तो वो कौन सा उसने वो खर्चा किया है, वो फोत हो गए, तो अब वो हमारी वालदा को प्लाट वाला लाडू है, तो वो हमें तो ऐसे मुफ्त में प्लाट मिल रहा है, हमने तो 1 रुपया भी नहीं खरीदा, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो वो 6 लाख रुपया दे रहे हैं, तो क्या ख्याल है हम ले ना ले। मैंने उनको गुस्से का इजहार किया, मैंने कहा 6 लाख में, क्योंकि वो क्लार्क था, क्लार्क इतनी वो सोच नहीं होती ना कि 6 लाख रुपया मुझे मिल रहा है, उसके नजदीक 6 लाख बहुत बड़ी चीज थी। मैंने कहा मैं आपको करोड़ों रुपए दिलवाना चाहता हूं, ये प्लाट मैं आपको दिलवाऊंगा तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आप अपना मकान भी बना लेंगे,
और जो पैसे बच जाएंगे उसके आप और वो प्रॉपर्टी लेंगे, उससे रेंट आएगा, आप सारी जिंदगी के लिए आपकी कवर सिद्धि हो जाएगी। अब 6 लाख कहते हैं मैं आपको 10 लाख देता हूं, अभी 10 लाख देकर मैं एग्रीमेंट आपसे कर लेता हूं, ठीक है, नाम आपको चलता रहेगा, कल दावत हमारे हक में फैसला हुआ तो ये पैसे मैं फिर ले लूंगा ना, तो मैं ये पैसा कमा सकता हूं, ये प्लांट मैं भी ले सकता हूं और आपकी कंसर्न से ले, कोई फ्रॉड भी नहीं है, लेकिन मैंने ये आपके हालात सुधारने। और उसके बाद जब वो अपील, उन्होंने की अपील में जब फैसला हुआ तो मैंने उनको कहा कि वो उधर मौके पे भी गए थे, ये G13 या इस साइड पे प्लॉट था, तो मैंने कहा मौके पे भी गए थे, वो देखा भी है उधर प्लॉट है, कहते सर गए, मैंने कहा वो डीलरों से को रेट शीट भी पता करने थे कि क्या है उसके प्लॉट की कीमत क्या होगी, कहते सर 1,20,00,000 रुपए। तो मैंने कहा ये किसके फैसला आपके हक में है, प्लॉट आपका है, ये 1,20,00,000 के ये मैं ले सकता था ना, लेकिन मैंने ये आपको दिलवाया। तो जो उन्होंने अगली बात की ना, मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि इस वकालत के पेशे में जो आपको फायदा होता है। वकील साहब आपने हमारी वालदा को आप नहीं जानते, वो एक दफा मैंने वो एक ही दिन आई थी वो गाड़ी में, फिर वो व्हील चेयर पे लेकर, मैंने कहा एक दफा कोर्ट में पेश करना है मैंने इनको कि ये वो बूढ़ी खातून है जो ब्लीवरिया में मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, जो सौदे कर रही है, जो पैसे ले रही है, जो कचहरियों में स्टाम्प तैयार करवा रही है, जिसका कोई ब्लड रिलेटेड भी नहीं है उसके साथ, उसका महरम भी कोई नहीं है, उसको शिनाख्त करने वाले भी प्रॉपर्टी डीलर हैं ये सारे। तो मैंने कहा ये मैंने एक दफा उसको पेश करना है, एक दफा आप उनको वादा को ले आए किसी तरीके से, वो गाड़ी में डालकर फिर आगे व्हील चेयर पे वो कोर्ट में ले आए। तो मुझे कहता है कि वो मेरी वालदा को आप नहीं जानते, एक ही दफा वो आप पेश हुई है तो आपने देखा था, लेकिन वो चूंकि फालिजदा है और उनको नींद नहीं आती और पूरी रात वो जाग के गुजारती है और आपके लिए दुआएं करती रहती है, वो आपके लिए दुआएं करती रहती है। अब वो बूढ़ी खातून जो एक दफा मुझे उसकी मैंने शहादत कराई है, अब बताएं वो 1,20,00,000 मेरे लिए ज्यादा है या वो जो दुआएं हर रोज मुझे मिलती हैं, वो जिसको मैं जानता भी नहीं हूं उस खातून को। ये मैं कहता हूं कि ये वो पेशा है जिससे आप हर रोज जन्नत कमा सकते हैं, अपनी आखिरत संवार सकते हैं, दुनिया भी बना सकते हैं और आखिरत भी, दोनों जहान आपके, फैसला आपने कर लिया। आगे उस पर आते हैं, इसमें आर्टिकल 129 जी है कानून शहादत आर्डर का, उसमें बेस्ट एविडेंस विद हेल्ड। अब एक के पास आपके पास एक एविडेंस है और आपने वो एविडेंस नहीं करवाई, आपके पास एक इंपॉर्टेंट विटनेस है उस सब्जेक्ट मैटर का और आपने वो एविडेंस नहीं करवाई, विद हेल्ड है, आपने विद होल्ड कर ली, पेश नहीं किया डॉक्यूमेंट, आपने पेश नहीं किया, या कोई ऐसा गवाह था, इंपॉर्टेंट गवाह था, उस डील का हिस्सा था जिसके जरिए सारा कुछ हुआ, वो आपने पेश नहीं किया, तो आर्टिकल 129 जी अब कानून शहादत आर्डर ये कहता है बेस्ट एविडेंस विद हेल्ड इन्फीरियंस ड्रॉन अगेंस्ट हिम, ये आपके खिलाफ जाएगी कि आपने विद हेल्ड कर लिया, जो एविडेंस आपके हक में जा सकती थी, आप पेश कर सकते थे, आप अपने केस को मजबूत बना सकते थे, लेकिन आपने विद हेल्ड की, तो ये इन्फीरियंस ड्रॉन अगेंस्ट यू। आर्टिकल 130 है ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अब कोर्ट ने जब आप एक है आपके अपने गवाह और एक है तलवीदा गवाह, जो सरकारी गवाह होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने ऑर्डर 16 है सीटीसी का, उसके तहत वो गवाहों की लिस्ट दानी वो देनी होती है कोर्ट में, और उसके मुताबिक आपने गवाह तलब कर रहे हैं, कोई सरकारी गवाह है, उसका खर्चा जमा कराना है और खर्चा भी उसकी हैसियत के मुताबिक जो उसका स्टेटस होता है, एक 5वें स्केल का क्लर्क है एनडीसी है, उसकी जो बेसिक पे है वो देखना है, टीएडीए जो है वो एक ग्रेड 20 का ऑफिसर है, तो दोनों का खर्चा डिफरेंट होगा ना, इसका फर्ज करें
पांचवें स्केल वाला इसको तलब कर रहे हैं, तो आपने फर्ज करें 500 रुपए जमा कराया, तो ग्रेड 20 वाले को तलब करें तो उसका 5000 जमा करवाएंगे, उसका डेली का जो टीएडीए होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस टीएडीए, ठीक है, वो आप केपीके में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वहां वो चूंकि वहां उर्दू में वो लिखते हैं बुकला साहिबान, तो वो खर्चा खुराका गवाह, खुराक में ये खाने पीने का खर्चे, वो इस तरीके, तो वो इस किस्म की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो लोकल सतह पे, खर्चा खुराका, तो वो यानी वो उस गवाह का खुराक वगैरह का वो खर्चा, तो वो जमा कराने की इजाजत दी जाए कोर्ट से, ज्यादा वो फिर पैसे जमा कराते हैं, तो ये कोर्ट ऑर्डर करती है, और कोर्ट के ऑर्डर से अगर कोई गवाह नहीं आता, सिविल केस की मैं बात कर रहा हूं, इमरान खान साहब अगर सिविल केस में भी नहीं आएंगे, कोर्ट तलब करेगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट बेलेबल वारंट जारी करेंगे, बेलेबल यानी आगे बेलेबल वारंट आपने मचलकी दाखिल करने है, बस हाजिरी देनी है, खत्म, आपकी हाजिरी के लिए इंश्योर करने के लिए कि आप हाजिर हो, और फिर भी हाजिर नहीं होते बेलेबल वारंट पे भी, फिर नॉन बेलेबल वारंट जारी किए जाएंगे, आपको अरेस्ट करके फिर पेश किए वो उसको आप, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट अपने ऑर्डर मनवाने के लिए, ये लॉ है, ये आर्टिकल्स जो है सीपीसी और ये कानून शहादत ऑर्डर का, आप कंपेल करेंगे, वो बाउंड है कोर्ट में आकर एविडेंस देने की, और नहीं करेंगे तो अरेस्ट किया जाएगा, और फिर अगला प्रोसीजर भी, अरेस्ट करने के बाद आगे कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं, एक तो डिटेंशन है, सिविल प्रिजन है, जेल जी भेज सकते हैं, सेकेंड उसकी जायदाद भी अटैच की जा सकती है, मूवेबल आर रिमूवल प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, और ऑप्शन की जा सकती है, इस तरह वो डिफरेंट आगे वो दिए हुए सीपीसी के अंदर भी जो है वो सारा प्रोसीजर दिया गया। 131 है, जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। अब आप एविडेंस में क्वेश्चन करते हैं या एविडेंस कराते हैं, तो वो दूसरी तरफ से ऑब्जेक्शन आता है कि ये नहीं कर सकते, अब ऑब्जेक्शन आ गया तो कोर्ट ने डिसाइड करना है उसकी एडमिसिबिलिटी और नॉन एडमिसिबिलिटी, ये एडमिसिबल एविडेंस है या कि नॉन एडमिसिबल है, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। 133 है, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन एंड एग्जामिन क्रॉस एग्जामिनेशन और रेलिवेंट फैक्ट, बट क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट टू बी कंफाइंड टू द फैक्ट्स। 133 में क्रॉस एग्जामिनेशन को फैक्ट्स के मुताबिक कंफाइन नहीं किया जा सकता, अभी मैंने मिसाल दी है कुरान पाक की, इस्लाम की, शरीयत की, गवाह को किस तरीके से वो करवा के नमाज की कर करके उसको एडमिट करवा के उस बंद गली में ले गए लास्ट में, और फिर आखिरी सवाल जो पूछा तो फिर मेरे मतलब का जवाब आया, तो वो क्या था, यानी वो आपके जहन में क्रॉस एग्जामिनेशन में वो सवाल है जो पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे आपने पूछना है, और उस सवाल पूछने तक वहां तक गवाह को लेकर जाना है, और वहां तक लेकर जाएंगे तो आप इधर उधर के क्वेश्चन कर देंगे ना कि उसको पटड़ी पे चढ़ाना है, तो पटड़ी पे चढ़ाएंगे, वहां तक लेकर जाएंगे तो फिर वो सवाल जो आपके जहन में है वो रेलिवेंट सवाल करेंगे, वो रेलिवेंट होगा, ये सारे इररेलिवेंट है, इसलिए यहां कहा गया है कि इररेलिवेंट कर सकते हैं, आप किसी वकील को कन्फाइन नहीं किया जा सकता, और फैक्ट्स के अंदर के दावे में जो फैक्ट्स लिखे हुए या जवाब दावे में जो फैक्ट्स लिखे हुए इसके अंदर कन्फाइन कर दे कोर्ट आपको, नहीं कर सकती, इसलिए कि आपने वो क्रॉस एग्जामिनेशन सीधे सीधे तो सवाल नहीं कर रहे ना, तो इसलिए उसको वहां तक जब लेकर जाएंगे तो फिर वो रेलिवेंट सवाल होगा। लीडिंग क्वेश्चन, अब लीडिंग क्वेश्चन क्या है कि आप एग्जामिनेशन इन चीफ करवा रहे, आपका अपना गवाह है, आप अपने हक में शहादत करवा रहे हैं अपने गवाह की, आप ऐसा सवाल करते हैं कि जिसका जवाब आप उसके मुंह में डाल रहे हैं, यानी आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि जो जवाब भी वैसे ही दे जो आप चाह रहे हैं, मसलन इस वक्त लेक्चर हो रहा है ना,
अब कौन आप में से अगर इनकार करेगा नहीं ये सब लेक्चर नहीं हो रहा, ये क्या है? लीडिंग क्वेश्चन है जो मैं आपके मुंह में डाल रहा हूं, और मुझे पता है कि आपने यही जवाब देना है कि हां लेक्चर इस वक्त हो रहा है जुडिशियल बार काउंसिल के अंदर, इस वक्त इतने बजे हैं ना। अब टाइम देखकर घड़ी की तरफ, और मैं आपसे टाइम कि इस वक्त जब आप शहादत दे रहे हैं तो यही टाइम हुआ है, हो रहा है ना, तो आपने क्या कहना? नहीं ये गलत है, ये क्या है? ये लीडिंग क्वेश्चन है कि मैं आपको लीड कर रहा हूं टूवर्ड दैट आंसर कि जो ये जवाब मेरे मतलब का ही आए, इसके अलावा वो जवाब आ नहीं सकता। और ये 136 और 138 के अंदर जो है वो प्रोवाइडेड है। और 146 में है इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन, ये अलाउ नहीं किए जा सकते। आपने डिसेंसी बरकरार रखनी है, इनडिसेंसी नहीं, इनडिसेंट क्वेश्चन नहीं करना। और अगर करेंगे तो कोर्ट, आप अगर दूसरी साइड से वकील हैं तो आप रोक सकते हैं और कोर्ट को कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, ये इनडिसेंट है, ये क्या कर रहे हैं, ये बिलो द बेल्ट जा रहे हैं, ये स्कैंडलस क्वेश्चन है। ये जो केस है इस केस की आतक में, ये फैमिली मैटर्स में अक्सर जो है वो करते हैं जनाब, ये फलां के साथ भाग गई थी, इसका शादी से पहले फलां के साथ अलग था, ये क्या है? ये स्कैंडलस क्वेश्चन है, ये अलाउ नहीं किए जा सकते। आप किसी के कैरेक्टर एसेसिनेशन करें, आप किसी के पर्सनल लाइफ में दाखिल हो जाएं, ये आपको अलाउ नहीं किया जा सकता। आप उसकी हद तक रहेंगे जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जो आपका केस है, जो प्लीडिंग है, उसके अंदर रहते हैं, ये अलाउ नहीं किया जा सकता। ये इस किस्म के क्वेश्चन जो है, देखिए प्लेंट में भी आप इस किस्म की प्लीडिंग नहीं लिख सकते, ठीक है? ये प्लेंट में ये तो नहीं है कि मादर पितर आजाद चीज है, कानून आपने, आप अगर पढ़े सीबीसी के ऑर्डर 7 आपने पढ़ा होगा, ऑर्डर 8 पढ़ा होगा और ऑर्डर 6 पढ़ा होगा। ऑर्डर 7 है प्लेंट, ऑर्डर 8 है रिटन स्टेटमेंट, और ये दोनों जब कंप्लीट हो जाते हैं, इधर से दावा आ गया, इधर से जवाब दावा आ गया, तो आपके ऑर्डर 6 आ गया, आगे प्लीडिंग, ये प्लीडिंग आपकी मुकम्मल होगी। इसलिए वो देखें जो फॉर्म ऑफ द प्लीडिंग है, जो आप दावा ड्राफ्ट करेंगे या जवाब दावा, तो आप स्कैंडलस किस्म के, इस किस्म के रिक्वायरमेंट्स आप नहीं ला सकते। आप फैक्ट्स पे बात करें, लॉ के हवाले से बात करें, रिकॉर्ड में लाए जी आप। सर इन दी इवेंट के लेट से इस तरह का एक सवाल पूछ लिया जाता है, लेट से जिसकी वजह से अगले बंदे की इमेज या रेपुटेशन इम्पैक्ट होती है, आप काउंटर सू कर सकते हैं लेट से फॉर डेफिमेशन या आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ पर्सन के लिए? अगर किस तरह की एक एक चीज है कि अगर तो क्वेश्चन वो रिकॉर्ड पर आए नहीं है, फिर तो क्योंकि ऑनर्स आप है ना, साबित आपने करना है, उसी वक्त ऑब्जेक्शन आ गया और वो रिकॉर्ड पे आए ही नहीं है। लेकिन अगर इस किस्म के ऑब्जेक्शन नहीं आता, वो रिकॉर्ड होते बाद आपकी एब्सेंस में हो रही है एविडेंस, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग भी वो हो रही है, लिखा गया और वो प्रूव नहीं कर सकते, तो आपके पास ये बिल्कुल ये राइट है कि आप डेफेमेशन का केस कर सकते हैं, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। काउंसिल को देंगे या पार्टी को देंगे? जी पार्टी को, जी काउंसिल को देंगे, कोर्ट काउंसिल जो ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी बोल रहा होता है, काउंसिल के अपने कोई चीज नहीं होती। देखिए मैं ये अगर ये कहता हूं कि मैं ये कर रहा, तो हर वकील मैं कहता है ना कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये किया, तो मैं से क्या मुराद है? वो वकील जाती तौर पे वो कर रहा है, वो फोर्जरी जाती तौर पे कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट जाती तौर पे तैयार कर रहा है, वो तो पार्टी के बिहाफ पे कर, मैं से मुराद प्लेंटिफ है, मैं से मुराद डिपेंडेंट है, तो वो पार्टी के बिहाफ पे कर रहा होता है ना, काउंसिल की अपने जात तो नहीं उसमें। अब इसमें एक है 163 है स्पेशल ओथ, अक्सर कट शॉर्ट करने के लिए, केसेस जल्दी पारित करने के लिए, एक तरफ से दावा आया और दूसरी तरफ से नोटिस गए और पार्टी पेश हो गई,
بندہ کہتا ہے عباسی صاحب آپ اس کو الگ قرآن پاک کو الگ دلوائیں, یہ الگ اٹھا دے کہ اس نے پیسے نہیں دینے میرے, میرا بدلاؤ بے شک خارج کر دیا, یہ الگ اٹھا لے کہ یہ سودا اس نے میرے ساتھ نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے میرا دعویٰ بے شک خارج ہو جائے. جو بھی کلیم ہے یہ الگ اٹھا لے کہ یہ جہیز نہیں دیا گیا تھا. اکثر ڈیپینڈنٹ سائڈ سے یہ کہتے ہیں کہ جہیز دیا ہی نہیں تھا, یہ جو ریکوری آف ڈاوری آرٹیکلز کا کیس کر رہے ہیں یہ دیا ہی نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ الگ اٹھا لے قرآن پاک پہ کہ یہ سامان نہیں دیا گیا تھا تو ہم اپنا دعویٰ واپس لے لیں گے یا دعویٰ خارج کر دیا جائے. اب یہ ہے اسپیشل اوتھ پرووائڈیڈ انڈر سیکشن 163 آف قانون شہادت آرڈر. آپ آفر کرتے ہیں کہ یہ حلف اٹھا لے, یہ حلف ہے حلف بر قرآن, اس کو کہتے ہیں اسپیشل اوتھ. اب دوسری طرف سے وہ حلف اٹھا لیتا ہے, وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے جو بھی ہے آپ کا دعویٰ خارج, لیکن اگر نہیں اٹھاتا تو آپ کا دعویٰ ڈگری نہیں ہوگا. اس میں لا یہ ہے کہ کسی کو اس کے اندر تو نہیں لکھا لیکن اس کی تشریح میں جو ججمنٹس آئی ہیں کہ کسی کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لازمی حلف اٹھائے. ایک آدمی کہتا ہے جی کہ نہیں شاطوں کے ذریعے فیصلہ کریں, میرٹس میں فیصلہ کریں, میں حلف نہیں اٹھاتا, تو کمپیل نہیں کر سکتے کہ لازمی. یہ تھوڑا سا ہے کہ وہ اخلاقی تھوڑی سی آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے کہ جناب یہ دیکھیں میں نے قرآن پاک پر حلف کی آفر کی تھی اور میں نے اتنا بڑا رسک لیا تھا کہ اگر یہ حلف اٹھا لے تو میرا دعویٰ خارج کر دے, میں کلیم نہیں کرتا. تو یہ دیکھیں نا اتنی بڑی بات کی ہے نا, تو یہ اخلاقی طور پہ تو آپ کو تھوڑا سپورٹ مل جاتی ہے لیکن قانونی نہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے, کمپیل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے وہ حلف اٹھائے یا نہ اٹھائے, ٹھیک ہے میرٹ پہ آفٹر ریکارڈنگ ایویڈنس جو ہے وہ آپ کورٹ جو باؤنڈ ہے فیصلہ کرنے کی. اب اس کے علاوہ کچھ سی پی سی کے اندر پروویژنز ہیں, مطلب آرڈر 10 کا رول 1 ہے جس میں فورتھ وتھ دعوے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. آپ سوٹ فائل کرتے ہیں دوسری طرف سے پارٹی پیش ہوتی ہے تو آرڈر 10 میں رول 1 کے تحت بیٹر اسٹیٹمنٹ کورٹ ریکارڈ کر سکتی ہے دونوں پارٹیز, ہاں بھائی آئے بھائی دونوں پارٹیز موجود ہیں ٹھیک, بیان ریکارڈ کرائیں بیان بیٹر اسٹیٹمنٹ, اب آپ کا کیا کلیم ہے یہ کلیم ہے ٹھیک ہے اس کا بیان لکھا. دوسری طرف ہاں بھائی یہ اس کا کلیم ہے آپ بتائیں, اس کی طرف سے وہ بیٹر اسٹیٹمنٹ لکھی اور اسی وقت دعویٰ خارج کر دیا یا دعویٰ ڈگری کر دیا, تو یہ دین اینڈ دیئر ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے آرڈر 10 میں. اسی طریقے سے آرڈر 12 میں وہ ایڈمیشنز کے حوالے سے جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا آرڈر 12 رول 6 کے تحت پھر وہ اسٹیٹ اپ دعویٰ ڈگری ہو جائے گا. آرڈر 13 ہے اس میں اس کے رول 1 میں یہ ہے کہ جو بھی ایویڈنس آپ کے پاس اویلیبل ہے ڈاکومنٹری, عورت تو ہو گئی نا میں نے بتا دیا آپ کو, ڈاکومنٹری ایویڈنس جو بھی ہے آپ کے پاس وہ فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی آن فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ آپ پریزنٹ کریں, وہ آپ پروڈیوس کریں ساری کی ساری ایویڈنس جو آپ کے پاس ہے, اور اگر نہیں ہے اور آپ نے دعوے کے ساتھ ڈاکومنٹس نہیں لگائے یا جواب دعوے کے ساتھ آپ نے ڈاکومنٹس نہیں لگائے یا آپ نے ریلائنس بھی نہیں کیا کہ یہ ہم بعد میں پیش کریں گے ایٹ دی ٹائم آف ریکارڈنگ آف ایویڈنس, تو پھر کیا کہ آپ کے پاس پھر یہاں ایک لیگل پروویژن موجود ہے, اس کا اگلا رول ہے رول 2. رول 2 کے تحت آپ ایڈیشنل ایویڈنس کی درخواست دے سکتے ہیں, اس میں ایڈیشنل ایویڈنس میں اگر آپ کورٹ کو سیٹسفائی کریں کہ یہ میرے پاس اس کا ڈاکومنٹ نہیں تھے یا اویلیبل نہیں تھے یا پوزیشن میں نہیں تھے یا پاور میں نہیں تھے, تو کورٹ جو ہے وہ پلازیبل گراؤنڈ دیکھتے ہوئے پھر وہ آپ کو الاؤ کر دے گی. تو یہ ہے ایڈیشنل ایویڈنس نان پروڈکشن آف ڈاکومنٹری ایویڈنس ایٹ ریلیونٹ اسٹیج, اس میں پھر اس کی ورڈنگ بھی یہی ہے نو ڈاکومنٹری ایویڈنس شیل بی پروڈیوس ایٹ اینی سبسیکوینٹ اسٹیج آگے کوما انلیس گڈ کاز از شون ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی کورٹ اینڈ دی کورٹ وائل ریسیونگ سچ ڈاکومنٹ شیل ریکارڈ دی ریزن فار سو, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اسی آرڈر کا آگے رول 3 ہے ریجیکشن آف ڈاکومنٹ. اب ڈاکومنٹ ایگزیبٹ ہو گئے,
ایک ڈاکومنٹ ایگزیبٹ ہو گیا تو اس ڈاکومنٹ کو ڈی ایگزیبٹ کرانا ہے یا ریجیکٹ کروانا ہے, تو روٹ تھری کے تحت آپ اپلیکیشن دیں گے یا آپ وہ آبجیکشن لیں گے کہ دس ڈاکومنٹ از ایررلیونٹ اور ان ایڈمیسیبل. یہ دو ورڈ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں, یا تو وہ ڈاکومنٹ ایررلیونٹ ہے یا ان ایڈمیسیبل ہے. ان ایڈمیسیبل جس طرح میں پہلے آپ کو بتا دوں, پرائیویٹ ڈاکومنٹ ہے, آتھر آف دی ڈاکومنٹ کیسے پیش کرنا ہے, سکرائب آف دی ڈاکومنٹ وہ نہیں پیش ہوگا تو وہ ایگزیبٹ نہیں ہو سکتا, کونسل کے بیان میں نہیں ہو سکتا, مدعی کے بیان میں نہیں ہو سکتا. مدعی نہ اس کا گواہ ہے, نہ وہ رائٹر ہے, نہ وہ ایگزیکیوٹینٹ ہے, تو وہ اس کے بیان میں نہیں ایگزیبٹ ہو, اور اگر ہو گیا تو وہ ریجیکٹ اس طریقے سے ہو سکتا ہے رول تھری کے تحت. رول فور میں ہے یہ ایگزیبٹ کیسے لگاتے ہیں, یہ رول فور میں اس کا بتایا گیا آرڈر 13 کے, کہ یہ انڈورسمنٹ آن ڈاکومنٹس. انڈورسمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو آپ لکھتے ہیں نا, اگر آپ پلینٹیف سائڈ سے ہیں تو ایگزیبٹ P1 سول جج فلاں, ڈیٹ نیچے لکھتے ہیں فلاں آج کی تاریخ. اب یہ عدالت کا نام, کیس کا ٹائٹل, ڈیٹ اور کس سائڈ سے کر رہے ہیں, پلینٹیف یا ڈیفینڈنٹ, P1 یا D1, P2, P3, P4, D1, D2, D3, یہ جو لکھتے ہیں یہ کس قانون کے تحت لکھتے ہیں, یہ رول فور میں یہ چیز دی ہوئی ہے ایسے کریں گے. یہ ڈیٹ بھی لکھیں گے, کورٹ کا نام بھی لکھیں گے, کیس کا ٹائٹل بھی لکھیں گے, یہ کس سائڈ سے ہے وہ بھی لکھیں گے, پھر اس میں کورٹ جو ہے وہ اسٹیمپ لگائے گی, اسٹیمپ لگا کر اپنے انیشیل کرے گی, یہ آپ کے ایگزیبٹ ڈاکومنٹ پہ پھر وہ جو مور لگاتے ہیں, اور جیسا ہم انیشیل پورے سائن ہی کرتے ہیں, انیشیل کرتے ہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے, یہ رول فور میں لکھا ہوا ہے. یہ اس کے بعد ہیئرنگ آف دی پارٹیز ہے, وہ آرڈر 18 میں ہے. رائٹ ٹو بگین کس کا ہے, پلینٹیف کا ہے یا پیلانٹ کا ہے یا پٹیشنر کا ہے, جو کلیم لے کر جاتا ہے, جو کلیمنٹ ہے, رائٹ ٹو بگین سٹارٹ اس نے کرنا ہے, ریسپونڈنٹ نے یا ڈیفینڈنٹ نے نہیں کرنا. تو یہ ہے آپ کے ساری ایویڈنس کے پروسیجر. اینی کوشچن؟ خاصا لمبا ہو گیا میرے خیال. جی دیکھیں جس طرح میں نے مثال دی ہے, آپ نے لا تو کوڈ نہیں کرنا اس میں, بس میں نے ہبا کی جس طرح مثال دی ہے, یا بے نامی کی, یا اسپیسیفک پرفارمنس ایگریمنٹ کی, مختلف جو میں نے جو ایگزامپل دی ہیں, اب فرض کریں ہبا کی ہے, تو آپ نے اس دعوے کے اندر یہ تین باتیں تو یہ لکھنی ہے اس طریقے سے کہ فلاں نے فلاں کے حق میں اپنی آزاد مرضی سے ہبا کیا اور اس نے قبول کیا اور اس کے بعد قبضہ اس کو منتقل ہو گیا, یہ تین چیزیں لکھنی ہیں نا. اب آپ نے لکھیں اکارڈنگ ٹو سیکشن فلاں آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ, اکارڈنگ ٹو فلاں مومڈن لا, یہ نہیں کوڈ کرنا, کیونکہ وہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ یہ کیا, اور کوڈ کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کا بیسک لا کیا ہے. کل آپ نے وہ جو اس لائن پہ چلنا ہے تو یہ فیکٹس آپ بتا رہے ہیں نا, آپ نے پلیڈنگ میں فیکٹس بتانے ہیں. نہیں, ایویڈنس میں جو آپ ایویڈنس تو آپ فیکٹس کے مطابق کروائیں گے نا, آپ نے کراس ایگزامینیشن میں اسی فیکٹس کو سامنے رکھے, لیکن ذہن میں تو آپ کے لا ہوگا نا. جس طرح میں نے اپنے کیس کے بنا کے قانون کے مطابق میرا کیس نہیں مانتا تھا, لا میرے خلاف تھا, لیکن دعویٰ ڈگری ہو گیا اس کے باوجود, کیسے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا اکارڈنگ ٹو PLD 2012 سپریم کورٹ پہ 501 وہ میرے خلاف ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا شریعت اپنی کیا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام 15 مارچ 1948, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سیکشن 3 آف یہ ایکٹ جو ہے 1962 کا مسلم فیملی لا, تو
तो ये आपने कानून तो रेफर नहीं करना, ना शहादत में ना प्लीडिंग में, लेकिन वो आपने उस लाइन पे चलना, फैक्ट्स आपने लिखना है। प्लीडिंग में तो सिर्फ फैक्ट्स ही लिखे जाते हैं दावा या जवाब दावे में। एनी अदर क्वेश्चन? देखिए वो तो देखिए आपने सजेशन दे दिया है ना कि आपने उसने कहा कि मैं फलां दुकान पे था, तो आपकी तरफ से एक मौकफ आ गया कि वहां दुकान एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, ऐसी दुकान आई नहीं है जिसका ये वाला दे रहे हैं। तो फिर ये अब ये ऐसी चीज है कि जिसका ओनर्स जो है वो उस पर फिर शिफ्ट हो जाएगा, जिसका ओनर्स आप पे था अब ये ओनर्स शिफ्ट हो जाएगा उस पर, कि वो प्रूव करेगा ये दुकान वहां एग्जिस्ट करती है। नहीं नहीं हाँ नहीं, लेकिन वो तो रिकॉर्ड देखा जाएगा ना, अगेंस्ट जाएगी तो जाहिर है वो उस चीज को देखा जाएगा ना, यानी केस को फैसला करते हुए। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच जी।